गुड मॉर्निंग सुनो बेटा, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो? बाबा वाह वाह, क्या बात है, शाबाश। किस बात की शाबाशी मिल रही है? अरे शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना, मेरी सोनू हमेशा कॉलेज के लिए समय पे तैयार होती है, पता आजकल के बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, समय का ध्यान ही नहीं होता। गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग माधवी आंटी। गुड मॉर्निंग विडंगल। गुड मॉर्निंग विडंगल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विडंगल। टाइम क्या हुआ? ये गोया, तुमने घड़ी नहीं पहनी क्या? नहीं नहीं, घड़ी पहनी है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आप उल्टे होके सीधा टाइम देख सकते हो कि नहीं। हो का 7:10 हुए। न्यूज़पेपर पढ़ के दिखाइए ना। ये गोया, यहाँ पे मैं क्या सर्कस कर रहा हूँ? आप आपको क्या रिमाशो समझते हो? मास्टर तो आप हो भी अंकल, हम रिंग मास्टर कैसे हो सकते हैं? हाँ। ये गोगी। टॉपिक चेंज। माधवी आंटी, ये लीजिए आपका डब्बा। अरे कायरे, क्या है इसमें? वो क्या है, खाली डिब्बा नहीं देते ना, इसलिए मैंने उसमें चॉकलेट डाली है, मेरी फेवरेट चॉकलेट है। सो स्वीट। सब शेयर करके खाएंगे, ओके? अरे वाह। हाँ हाँ, का नहीं। एक चॉकलेट शेयर करके खाते हैं। वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू गोड़िया, तुम ही खाओ। हाँ अरे भिड़े अंकल, अभी आप मेरे शिक्षक हो, आपकी बात में कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है। हाँ बोल। तो आप आज्ञा करिए। माधवी आंटी, आपने आज कोथिंबीर वड़ी बनाई है? हाँ, खाओगे? ए माधवी, पहले मेरे लिए बाजू में रख देना, कल तुमने डब्बे में बटाटे वड़े दिए थे ना, उसके बावजूद भी जो मेरे लिए यहाँ पे बटाटे वड़े रखे थे ना, वो भी खा गया ये। अच्छा, वो आपके थे? देखो तो बोला अपन। सॉरी बेटे अंकल, नेक्स्ट टाइम में मिस्टेक नहीं हो। हाँ अच्छा, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम लोगों की? बस चल रही है। नहीं नहीं, बस तो चलती है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन पढ़ाई कैसे चल रही है? वाओ। चलो बाबा, अभी हमें लेट हो रहा है, हम लोग निकलते हैं। बाय बाय बाय। ए ए, एक मिनट एक मिनट। गोया गोगी, मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से, पढ़ाई कैसे चल रही है? बाबा आज हमारे एनुअल डे की डांस रिहर्सल है, अगर लेट पहुंचेंगे ना तो टीचर बहुत डांटेंगे। ओहो, जा लौकर जा बाळा, लौकर जा। ए ए, एक मिनट, काय लौकर जा? ए रुको रुको रुको। अरे काय लौकर जा माधवी, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, इनको डांस प्रैक्टिस की पड़ी है। उनको लेट हो रहा है, जाने दीजिए ना, ऐसा काय है। हां तो हो दे लेट। आजकल कॉलेज में साइड एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि पढ़ाई को ही साइड ट्रैक कर दिया है। ऐसी सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से तो कॉलेज जाने का मन करता है। और आजकल क्या है, ये सब स्कूल और कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और रैंकिंग बढ़ती है। हाँ। और ये एक्टिविटी पढ़ाई जितनी जरूरी है। हाँ। हाँ, बरोबर है। काय बरोबर है माधवी, कॉलेज मतलब करियर की बुनियाद होती है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए। भीड़े अंकल, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट तो इंटरनेट है। हाँ, पूरी दुनिया की जानकारी है उसमें। हाँ। और चुटकी बजाते ही हर सवाल का जवाब इंटरनेट पे मिल जाता है। अगर हमको हर सवाल का जवाब ऐसे चुटकी मार के और एक टच में मिल जाता है तो हम लोग याद क्यों रखे? एक्चुअली इंटरनेट पे कौन कितना फास्ट सर्च करता है ना, उसकी एग्जाम होनी चाहिए। हाँ सही बोल रहा है गोगी, बस खाली इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ओहो, आजकल तो तुम लोग को आदत हो गई है ना कोई भी सवाल का जवाब इंटरनेट पे ढूंढने की। अच्छा मान लो गोया कि तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है। अरे बीड़ा अंकल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग ऐसा सोचे ही क्यों? अरे मान लो ना कि इंटरनेट नहीं है, मतलब बिजली चली गई या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, नेटवर्क नहीं है, तो फिर तुम सवाल के जवाब कैसे ढूंढोगे? अरे पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो क्या विद्यार्थी पढ़ते नहीं थे, सवाल के जवाब नहीं ढूंढते थे? तब भी विद्यार्थी इंजीनियर बने ना, वैज्ञानिक बने ना, डॉक्टर बने ना। कैसे बने? पढ़ाई करके, याद रख के। तब तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो फिर बिड़ंगल, अभी हम लोग इंटरनेट यूज करना बंद कर दे। आहो, क्या अभी बच्चों की बात सही है, अभी इंटरनेट की वजह से हमारा अचार पापड़ का बिजनेस कितनी सरलता से चल रहा है, एक सादे मैसेज से ऑर्डर आ जाता है और कितनी बार तो घर बैठे बैठे पेमेंट आ जाता है डायरेक्ट अकाउंट में। लाइफ कितनी इजी हो जाती है।
हाँ। नहीं बराबर है बेटा, लाइफ इजी हो जाती है, मतलब इंटरनेट का हमें फायदा उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए, लेकिन उस पे निर्भर नहीं होना चाहिए। हम तो इंटरनेट के गुलाम होते जा रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। कोई भी सवाल का जवाब आया नहीं कि इंटरनेट पे ढूंढना चालू। बच्चों हमेशा याद रखो, जो चीज पढ़कर याद रहेगी ना वो कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर याद रहेगी। अभी परसों का एक किस्सा है माधवी, मैं डॉक्टर हाथी से मिला था तो उन्होंने बोला कि उनके पास एक पेशेंट आया बीमारी का इलाज करने के लिए, तो उन्होंने दवाई दे दी, तो पेशेंट क्या बोलता है, नहीं हाथी भाई मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा था इस बीमारी के लिए ये दवाई नहीं चाहिए वो दवाई चाहिए, मतलब बोलो पेशेंट डॉक्टर को सिखा रहा है। हाथी अंकल को ना बोर्ड लगाना चाहिए, इंटरनेट से ली गई बीमारी की जानकारी क्लिनिक में डिस्कस करना मना है। लेकिन भिड़े अंकल आप ये तो मानोगे हाँ कि इंटरनेट नॉलेज का सागर है। हाँ मानता हूँ ना, इंटरनेट पे नॉलेज का सागर है, तो इंटरनेट के सागर के स्विमर जरा मुझे बताना कि तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर क्या है। भिड़े अंकल आपके इतने अच्छे दोस्त है मेरे पापा, आपको उनका नंबर याद नहीं है? उनको जब ये पता चलेगा ना उनको बहुत बुरा लगेगा। ये गोड़िया मैं तो जानता हूँ, मुझे तो जुबानी याद है तुम्हारे पापा का नंबर, तुम्हें याद नहीं है, और ये बात जब उनको पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। नंबर याद रखने की क्या जरूरत है? वाह, जब भी मुझे पापा को फोन करना होता है तब मुझे सिर्फ इतना बोलना है कॉल माय हीरो, देखो कॉल लग जाता है। मतलब कुल मिला के नंबर याद नहीं है ना? नहीं। और मीडियम सूड़ी तुम्हारा क्या हाल है? जिगरी यार। मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सोनू को भी याद नहीं होगा। 9878060 सुना सुना, मेरी बेटी को मेरा नंबर याद है। बच्चों देखो नंबर याद होना बहुत जरूरी है, भगवान ना करे लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो मोबाइल नंबर तो याद होना चाहिए ना बेटा। इंटरनेट यूज करना अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी होनी जरूरी है। और इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया ना, भगवान ने हमें सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर दिया है यहाँ पे, दिमाग उसका इस्तेमाल करो। अच्छा, आपको सब याद है ना? बिल्कुल। तो आपका डेबिट कार्ड का पिन नंबर बताइए। 9822 बगीचा ज्यादा गैनी होना भी नुकसान करवा देता है, सांगून टाकला। अरे चल भिड़े अंकल डोंट वरी, इंटरनेट के माध्यम से आप आपका पिन नंबर चेंज कर सकते हैं। हाँ। और हाँ अपना पिन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। बर सोनू गोगी गोली जल्दी चलो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आई टप्पू, चलो गाइस टप्पू वेट कर रहा है। हेलो, अरे देखा टप्पू ने बुलाया भाग के चले गए। तो अभी जाएंगे ना, उनको कॉलेज जाना है, यहाँ थोड़ी बैठेंगे वो। आजकल के बच्चे ना इंटरनेट में स्मार्ट है लेकिन दिमाग में स्मार्टनेस बिल्कुल भी नहीं है। बाप छान विचार है, सुविचार में लिख दीजिए, वैसे भी आपका सुविचार लिखना बाकी है ना आज? पता है मुझे, अचर बापट की डिलीवरी है 10 बजे। पता है मुझे, बैंक जाना है आपको। पता है मुझे, स्मार्ट हो आप। पता है मुझे, आप ओवर स्मार्ट हो। पता है मुझे। नहीं माधवी तुम भले ही मुझे ओवर स्मार्ट समझो लेकिन बाकी सारे लोग मुझे होशियार और समझदार समझते हैं, कल्ला? वो बाकी का है, मैं भी आपको होशियार समझदार और स्मार्ट समझती हूँ, मतलब आप है ही। हाँ। एक मिनट यहाँ रुकिए आप, हा? मैं अब भी आती हूँ। आज साल लेकर ही चढ़ो क्या? हाँ ये मेरी 3 साड़ियाँ है, इसको इस्त्री करनी है। माधवी लेकिन अभी तक इस्त्री रिपेयर होके आई नहीं है। आप इस्त्री रिपेयर करके लाए नहीं अभी तक? ओ तो ये अभी इस्त्री वाले को देना पड़ेगा, और बाहर 30 रुपए एक साड़ी का, मतलब 90 रुपए हो गए, और दूसरे कपड़े है वो अलग। अरे बापरे, इससे तो नई इस्त्री से ज्यादा इस्त्री वाले का बिल हो जाएगा। इसलिए मैं कब से कह रही हूँ नई इस्त्री ले लो, आपके जमाने की इस्त्री रिपेयर करने में जितना पैसा खर्च हुआ है ना उसमें नई इस्त्री आ जाती अब तक। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इतना मैसेज आया लगता है। बाघा का मैसेज सुबह सुबह? ये याला का अर्थ है काय हो?
इतने गुस्से में क्यों आप? तुम बेवकूफ हो। एक सवाल क्या पूछा, आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाघा ने मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो। अगर बाघा भाई मुझे क्यों बेवकूफ बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाघा तुम्हें बेवकूफ नहीं बोल रहा है माधवी, बाघा ने मुझे मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा वो अच्छा मतलब पक्का बाघा भाई ने मैसेज किया है? बिल्कुल, देखो उसी का नाम है, देखो ठीक से लिखा है ना, तुम बेवकूफ हो। बाघा भाई, बाघा भाई क्यों आपको बेवकूफ बोल रहे हैं? नक्की कहीं तरी गड़बड़े आहो तेज तक। अब समझ में आया, ये बाघा के जरिए जेठाल ने मुझे मैसेज भेजा है कि तुम बेवकूफ हो। काय का इतनी बोलता है जेठा भाई, बाघा भाई के जरिए क्यों आपको बेवकूफ कहेंगे? ये मतलब डायरेक्ट भी नहीं कहेंगे कभी भी? अरे बोलेगा ना, अरे उसी ने बोला है, ये उसी ने बोला है मुझे बेवकूफ। क्या हुआ, कल मैं उसी दुकान पे इस्त्री रिपेयर करवाने गया था। अरे भाई अभी इस्त्री रिपेयर नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो बाघा, मेरे हिसाब से ये इस्त्री और 2 साल चलनी चाहिए। अरे भाई भिड़े, ये बाघा रिपेयरिंग के दुनिया का बादशाह है, बादशाह। उसने एक बार बोल दिया कि रिपेयरिंग नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, अगर रिपेयर हो सकती थी तो बाघा बोल देता कि भाई मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ, बराबर ना बाघा? हाँ सेठ जी, और पिछले 5 साल में इस इस्त्री को मैंने 7 बार रिपेयर किया है, अब इसके रिपेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं। भाई भिड़े, अभी ये स्त्री पे दया खा और इसको छोड़ दे भाई, है? और नई स्त्री ले ले। हाँ हाँ भिड़े भाई, नई स्त्री ले लीजिए। नई स्त्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसका क्या करूंगा ना। अरे क्या बेवकूफ जैसा सवाल पूछ रहा है तू भिड़े, इसका क्या करूं मतलब क्या? और इसको भंगार में दे दे भाई, और नई स्त्री ले ले, अभी तो एक से एक बढ़िया मॉडल आए। बाका वो स्टीम वाली है ना, वो दे दे। जी नहीं नहीं, एक मिनट, मतलब कुल मिला के नई स्त्री चिपका नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, क्या अभी मार्केट में मंदी है, धंधा हो नहीं रहा है, मुश्किल से कोई ग्राहक आया है तो कमा लो। अरे तू फिर से बेवकूफ जैसी बात कर रहा है भिड़े। अरे भाई गोकुलधाम सोसाइटी से कोई भी मेरी दुकान से कुछ भी खरीदता है तो मैं उसमें 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, भाव टू भाव देता हूँ। ये तो हर व्यापारी बोलता है, मतलब हर एक व्यापारी की ये फिक्स लाइन है, भाव टू भाव देता हूँ। नहीं नहीं भिड़े भाई, सेठ जी बराबर बोल रहे हैं, वो गोकुलधाम वालों को कॉस्ट टू कॉस्ट माल बेचते हैं, क्योंकि माल का ऑर्डर मैं देता हूँ ना, तो मुझे पता है कि इस चीज का क्या कॉस्ट है। तो नहीं, मैं मानता हूँ कि जेठालाल कॉस्ट टू कॉस्ट देता होगा, लेकिन फिर भी मैं सेकंड ओपिनियन तो लूंगा। क्या मेरे पहचान का एक जन है जो इस्त्री रिपेयर करता है, तो उसकी राय लेने के बाद ही मैं तय करूंगा। अरे भाई मेरी बात मान, इसको रिपेयरिंग करना बेवकूफी है भाई, इसको छोड़, नहीं इस्त्री ले लेना भाई। ओ बाका 1000 रुपए वाली दे दे चल। जी नहीं 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 जेठालाल, नई स्त्री लेने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अरे इसमें सोचने का क्या, तो क्या लाखों की गाड़ी थोड़ी खरीद रहा है, 1000 रुपए की स्त्री खरीद रहा है भाई। जेठालाल चीज चाहे 1000 की हो या 100 रुपए की हो, मैं सोच कर ही खरीदता हूँ। एनीवे थैंक यू, दोनों मिलके मुझे नई स्त्री चिपका रहे थे और जेठाल ने मुझे 2 बार बेवकूफ बोला, 2 बार, और अभी बाघा के जरिए मैसेज भेजा कि तुम बेवकूफ हो। मुझे नहीं ऐसा लगता। क्या नहीं लगता, ऐसा ही हुआ है। कल तो मैं दोस्ती के नाते बर्दाश्त कर गया, लेकिन अभी बाघा के जरिए मुझे मैसेज भेज रहा कि तुम बेवकूफ हो। नहीं मैं ये सहन नहीं करूंगा, अभी उसकी खबर देता हूँ। जेठालाल मैंने बाघा भाई को फोन करके पूछी ना कि उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों किया है आपको। ठीक है। हाँ वो डायरेक्ट देखा काय काय झालं, अब मैसेज करके फोन नहीं उठा रहा है ये। वैसे भी मैं बाघा से बात क्यों करूं, बाघा तो जेठालाल का आदमी है ना, मैं जेठालाल से ही बात करूंगा। छोड़ना ना गला, जेठालाल 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 सकाई सकाई तूफान आलं कट्टी रे। ओ जेठालाल जेठालाल, नहीं अभी तक उठा नहीं होगा, सो रहा होगा। आज अच्छा है। क्या अच्छा? तुम कहाँ है सुबह सुबह, क्यों उनके साथ आपको तू-तू में करनी है? चलिए अंदर। मैंने कहा चलिए, मैंने बोला था ना कि मैं स्मार्ट हूँ, अभी देखना मेरा स्मार्टनेस, अभी 2 मिनट में जेठालाल बाहर आ जाएगा देखना। काय करता है? हाँ भिड़े बोल। हाँ जेठालाल
कंपाउंड में जल्दी आके देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे देखो तो सही, जल्दी बाहर आओ। कौन होगा? दया होगी? अब देखना कैसे बाहर आएगा। कौन है? मैं आया हूँ, मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक एकमेव सेक्रेटरी। ए भिड़े, ए काई झल रहा है याना सकड़े सकड़े मधु बाबे? अच्छा भला मैं सो रहा था, नींद से जगा के इधर बालकनी में घसीटा। क्यों भाई, क्यों बिगाड़ी तूने मेरी नींद? क्योंकि तुम्हारे बागा ने मेरी सुबह बिगाड़ी है। बागा तुम्हारे घर पे आया है? नहीं नहीं, बागा ने। अब शांत रहिए, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ माधु अभी आप बात कीजिए। काजल जेठा भाई, बागा भाई है ना, उन्होंने इनके मोबाइल पे मैसेज भेजा है और मैसेज में लिखा है। अरे बोल ना, क्या घाबरते क्या, बोल। नहीं शांत, मैसेज में लिखा है तुम बेवकूफ हो। हाँ। ऐसा मैसेज किया? हाँ। क्यों ऐसा मैसेज क्यों किया? तुमने फिर से उसको स्त्री को लेकर कुछ बात की थी? नहीं, स्त्री को लेकर उसने दोबारा कोई बात नहीं की मैंने, फिर भी उसने मुझे ऐसा मैसेज किया। क्यों? मैंने उसको फोन भी किया, तो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। पक्का तुमने बोला को उसे कि ऐसा मैसेज करो? अरे मैं क्यों उसको बोलूंगा भिड़े भाई, अगर मुझे तुझे बेवकूफ बोलना हो तो मैं तो डायरेक्ट मुंह पे बोलूंगा ना भाई। वाया वाया, बागा के जरिए क्यों बुलवाऊंगा? जेठा लाल, एक तो बागा ने मुझे ऐसा मैसेज भेजा, मेरी मान मर्यादा का अपमान किया, तुम उसे समझाने के बजाय मुझे समझा रहे हो? इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो तुम? अरे असंवेदनशील काम तो तुमने किया है, मेरी नींद बिगाड़ के ऊपर से झूठ बोल के मुझे बालकनी में भी बुलाया। तुम मुझे असंवेदनशील बोल रहे हो? हाँ। और ऊपर से बोलो मैं झूठा हूँ? अरे ऊपर से क्या, नीचे कंपाउंड से भी बोल सकता हूँ, तू झूठा है। हिम्मत तो है नीचे, चल। अरे हिम्मत का है, मर्द मराठे है, मैं घाबर तो का है। हाँ तो आऊँ, पर कच्चे माड़ू आया। अरे कहाँ से आया, अभी तो वही खड़े हो। अरे तू आ, तो आ नीचे नीचे। हाँ तो ठीक है, खाली बगतो तुला ये। अरे तू का बगल में बगता तुला। अरे इतने का बोल दो, ठीक है इतने का। अरे ये जाए तो की, अरे काय हाय काय यायचे की नाही खाली? आय येते ना। हा तो ये 1 2 3 ये। तो कोई नहीं है। मेरे जेठालाल और भिड़े की आवाजें कहाँ से आ रही थी भाई? तो यहाँ तो कोई नहीं है। आवाजें तो इतनी सुनाई दे रही थी, माल है। निशा लो आगे नीचे बोलो। अरे कहाँ है जेठालाल? मुझे बोला नीचे आओ, नीचे आओ, खुद नहीं आया। आगे आगे, मैं इधर हूँ। बोलो। हाँ क्या बोला? तू बोल भाई। तुमने बोला था ना कि नीचे से भी बोल सकता हूँ, नीचे आया मैं। तू बोला। मैं क्यों बोला नीचे से? तू बोला कि आया आया, तो ऊपर किधर आया? क्या हुआ? शांति रखो ना, हुआ क्या भाई? अरे ये भिड़ा, क्या हुआ? ये जेठालाल। अरे भाई एक दूसरे का नाम क्या ले रहे हो, बताओ ना भाई। जेठालाल क्या हुआ है? अरे मेहता साहब, ये भिड़े सुबह सुबह खामखा दिमाग खराब कर रहे। क्या हुआ भिड़े मास्टर? जेठा भाई इस बार भी मेंटेनेंस का चेक देना भूल गए। और मान लो भूल भी गया तो क्या हुआ भिड़े, तुम कमाल कर दो, कोई भाग थोड़ी जाएगा, दे देगा चेक मेंटेनेंस का। साहब दे तो देगा, लेकिन ये गलत है ना, एवरी टाइम आज बार हमको चेक मांगना पड़ता है। जो चाह करता किटली गरम। और ठीक है ना यार, और धंधे की टेंशन में कभी कभी इंसान भूल जाता है यार। अरे लेकिन सोड़ी, मेंटेनेंस के चेक की बात ही नहीं है। फिर कौन सी बात है भाई? अरे भाई मेंटेनेंस के चेक की बात नहीं है तो बात क्या है? सुबह सुबह आप लोग किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो? अरे मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं है पोपटलाल, मैं तो मस्त आराम से शांति से सो रहा था, ये भिड़े ने मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि नीचे आओ झगड़ा करते। हाँ हाँ कहे हाँ, मैं तो ऊपर से ही बात कर रहा था तुम्हारे साथ, तुमने बोला कि हिम्मत है तो नीचे आके बात करो, तो मैं नीचे आया हूँ ना। अरे ठीक है, जेठालाल ने बुलाया नीचे, तुम नीचे आगे, पर अब ये बताएगा कि बात क्या है आखिर। दोस्तों गोकुल धाम और अंगाम है सिक्के के दो पहलू की तरह, जिस तरह से आप सड़क पे चलते हैं आपको पता ही नहीं चलता कब स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक उसी तरह गोकुल धाम में ये पता नहीं चलता कि कब हंगामा आ जाए। यहाँ इस वक्त हंगामा एक हो रहा है, भिड़े और जेठालाल के बीच में जबरदस्त तकरार है, झगड़ा है और भिड़े बरस रहे हैं मूसलाधार बारिश की तरह, जेठालाल फिर बाकी लोगों को मजा आ रहा है। जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है आसपास वालों को पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है, क्यों मजा आता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के झगड़ों से बचना चाहिए, इसमें इज्जत की और वक्त की दोनों की ही बदहाली होती है।
खैर साहब, इस झगड़े का निष्कर्ष क्या होगा और सबसे बड़ी बात, झगड़े का जो मूल कारण है, बाघा ने भिड़े को बेवकूफ वाला मैसेज क्यों भेजा और इसका निष्कर्ष क्या होगा, ये तो मैं इस वक्त क्या बताऊं, लेकिन जो भी होगा होगा। ठाकुर के साथ बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे ये इसके बाघा ने मुझे मैसेज भेजा है सुबह सुबह, क्या लिखा है उसमें? तुम बेवकूफ हो, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा, तो ये बेवकूफी बाघा भाई की गलती से हुई है। बिलू, बाघा ने तेनु ऐसा मैसेज भेजा? हाँ, क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ जेठालाल से, लेकिन बता ही नहीं रहा। जेठाबरा, बाघा ने अगर पीड़ू को ऐसा मैसेज भेजा तो ये तो गलत बात है भाई, ऐसा मैसेज क्यों भेजा? अरे पर छोटी, मुझे पता ही नहीं। अभी मान ले तेरा कोई मैकेनिक तेरी जान बार भिड़े को ऐसा मैसेज भेजता है तो क्या तुझे पता होगा कि उसने क्यों भेजा है? पॉइंट पॉइंट, ऐसे करेक्ट है। तो फिर अरे जेठालाल, तुम बाघा से ही पूछ लो ना कि उसने ऐसा मैसेज क्यों किया। वो तो मैं पूछूंगा ही भाई, दुकान जाते ही सबसे पहले मैं उसे यही पूछूंगा कि तूने भिड़े को ऐसा मैसेज क्यों भेजा। दुकान जाते ही क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी पूछो। अभी इसलिए नहीं क्योंकि ये भिड़े बता रहा था कि वो कब से बागा को फोन कर रहा है, लेकिन बागा फोन उठा नहीं रहा है। बागा फोन नहीं उठा रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही। बागा तो सबका फोन उठाता है। नहीं, मैं बताता हूँ ना उसने फोन क्यों नहीं उठाया। ये जेठा ने उसे बोला होगा भिड़े को मैसेज कर कि तुम बेवकूफ हो, और उसके बाद जब वो फोन करेगा तो उसे उठाना मत। अरे क्या बेवकूफ जैसे वो, देखो सबके सामने बेवकूफ बोला, देखा। अरे मेरा मतलब है, क्या फालतू बात कर रहा है भाई, क्या फालतू का इल्जाम लगा रहा है तू मुझ पर। जेठालाल बराबर बोल रहा है, उसे अगर तुझे बेवकूफ बोलना है तो डायरेक्ट बोलेगा ना, बागा से क्यों मैसेज करवाएगा? तेरे पास कोई प्रूफ है? हाँ है प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है? कल जब मैं तुम्हारी दुकान में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जब इस्त्री रिपेयर करवाने आया था तब तुमने मुझे बोला नहीं था? अरे एक बार नहीं दो बार बोला, कैसे बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। हाँ तो वही ना, मुझे तुझे बोलना था तो मैंने तो डायरेक्ट तेरे मुंह पे ही बोल दिया ना भाई। अभी मैं भागा के जरिए वाया वाया क्यों बोलवाऊंगा? क्योंकि दो बार बोल के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा था ना, इसलिए भागा के जरिए मैसेज करवाया। अरे तू क्या बोल रहा है भिड़े, वेड़ा भिड़ा झाला इसका। नहीं नहीं, मतलब वेट ना लगले, मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। तुम और भागा मिलकर मुझे नई स्त्री चिपकाना चाहते थे कल, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, और मैंने अपनी स्त्री भी इसको रिपेयर करवाने के लिए नहीं दी, तो व्यापारी को गुस्सा आ गया और बोला उसने भागा को कि तू भेज मैसेज। अरे तू एक छोटी सी स्त्री मेरी दुकान से लेता तो उसमें क्या मुझे लाखों का फायदा होने वाला था? जो मैं बाघा को बोलता कि चिकार कर मैसेज कर, क्या बोल रहा है तू भाई? मैंने नहीं बोला भाई, बाघा का कोई मैसेज करने को नहीं बोला है मैंने। निकाय मिनट आता जाऊ देना, अब शांत हो जाइए। हाँ भिड़े भाई, बाघा भाई ने मजाक किया होगा। लेकिन रोशन भाभी, मुझे मजाक पसंद नहीं है। भिड़े, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जेठालाल ने बागा को ऐसा मैसेज करने के लिए कहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा है भाई, ये हाइपोथेटिकली। ये कौन सी कली है अभी? मतलब खाली ऐसा मान लेते हैं, किया नहीं है। मैंने किया है। अरे नहीं किया है। किया है। नहीं किया है। अरे एक मिनट भाई, मेरी पूरी बात तो होने दो। अगर जेठालाल ने बागा को कहा भी है ऐसा मैसेज करने के लिए तो ठीक है ना भाई, दोस्तों में तो ऐसा चलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यार दोस्तों में एक दूसरे को तो बेवकूफ बोल ही सकते हैं ना। रोशन डार्लिंग कितने प्यार से मुझे नहीं बोलती है, खेलो एक बार बोल के दिखा। खेलो ठीक से पूरा बोल के दिखा यार। रोशन तू टंडन खेल अच्छा खेलो, जो बोलता ना प्यार में जो, देख कितना अच्छा लगा। रोशन को हमेशा ये प्यार से सुनना अच्छा लगता है। तोड़ी, जेठालाल ने मुझे कल दो बार बेवकूफ बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है दोस्ती में चलता है, लेकिन बाघा मेरा दोस्त नहीं है। भीरे भाई, देखिए आप एक शिक्षक है, शिक्षक ऐसे बात नहीं करते। आप शांति से बात करिए प्लीज। भीरे मास्टर, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और देखो भाई भिड़े, जेठालाल एक दूसरे से लड़ने की बजाय, एक दूसरे पे चिल्लाने की बजाय, इस तरह से एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की बजाय, तुम बाघा को फोन क्यों नहीं कर लेते, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मेहता साहब, मैसेज आते ही मैंने तुरंत उसे फोन किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। अच्छा, वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, जेठालाल तुम फोन कर दो भाई, तुम बात कर लो बाघा से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। हाँ ठीक है भाई, मैं कर लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा है नहीं। हम भी हम कुछ झचक कसला लाया, हम स्पीकर पे रखना फोन। बोलो, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है ये।
कोई गल नहीं जेड़ा भरा नट्टू काका नु फोन लगा लो। हाँ स्पीकर पे रखना। हाँ ये ले स्पीकर। अरे सेठ जी का फोन। गुड मॉर्निंग सेठ जी। जरा बागा को फोन देना। सेठ जी मैं आपको इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ तो सामने गुड मॉर्निंग तो बोलिए। नहीं बोलना है मुझे गुड मॉर्निंग, बागा को फोन दो। सेठ जी मुझे कहिए ना, बागा जो काम कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अरे कोई काम नहीं करवाना है भाई, जरा बात करनी है, बागा को फोन दो। सेठ जी बागा शवासन कर रहा है। अरे वो जो कुछ भी कर रहा हो उसे फोन दो। जी सेठ जी, बागा सेठ जी का फोन है। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग, तेरे गुड मॉर्निंग को भूख तड़के अभी। और तू मुझे ये बता, तूने भिड़े भाई को ऐसा मैसेज क्यों किया कि तुम बेवकूफ हो? अरे लेकिन मैं भिड़े भाई को ऐसा मैसेज क्यों करूंगा कि मैं बेवकूफ हूँ? अरे भिड़े भाई के फोन में तेरे फोन से एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है तुम बेवकूफ हो, तो ऐसा मैसेज तूने भिड़े भाई को क्यों किया? सॉरी। अरे आप सॉरी बोल के फायदा क्या, जब चिड़िया चुप गई खेत। अरे नहीं सॉरी, दिल से सॉरी। अरे क्या सॉरी, तू पहले बता ऐसा मैसेज क्यों किया तूने? वो सेठ जी गलती से मैसेज भेज दिया। गलती से? हाँ क्या है सेठ जी, गांव में मेरा एक दोस्त रहता है भीखू। हाँ उसके पास गांव में अच्छी खासी खेती है, जमीन है, तीन तीन गाय है, दो बैल है, फिर भी उसे पैसे कमाने के लिए यहाँ मुंबई में आना है। तो मैं उसे समझा रहा था, समझाते मुझे एकदम गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उसे मैसेज भेजा था कि तुम बेवकूफ हो, तो गलती से भीखू की जगह भिड़े भाई को सेंड हो गया। बोल बगा, मैं म्हटलं ना काहीतरी गडबड आहे म्हणून गलती से आया होगा। सॉरी सेठ जी, और भिड़े भाई को भी प्लीज सॉरी बोल देना। हाँ वो भिड़े मेरे सामने ही खड़ा है, सुन रहा है फोन स्पीकर पे, तू ही बोल दे उसको सॉरी। भिड़े भाई सॉरी। हाँ भिड़े भाई। बागा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने गलती से मैसेज भेजा है। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ और आपको तो पता ही है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, और सिर्फ आपकी नहीं सारे गोकुलधाम वासियों की बहुत इज्जत करता हूँ। सच कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, बावरी जी की कसम। बघा बाघा भाई, बावरी जी की झूठी कसम तो बिल्कुल नहीं खा सकते है, मतलब गलती से ही मैसेज आया है। अभी बाघा भाई को माफ कर दीजिए और बात को खत्म कर दीजिए। हाँ प्लीज माफ कर दीजिए ना, तो सच में कह रहा हूँ सॉरी। हाँ भिड़े भाई कर दीजिए ना माफ। गलती से हुआ भिड़े। हाँ ठीक है माफ किया, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? वो मैं योगा कर रहा था ना, इसलिए मैंने फोन साइलेंट पे रखा था। फिर से एक बार दिल से सॉरी बस। ठीक है कट कर दो फोन। ओ भिड़ो अभी मिल गई मन को शांति, तूने जेठा प्रागे साथ गल किया उनको सॉरी बोल। सॉरी जेठा। नहीं नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, खाली आइंदा तो एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी मुझे तुझे बेवकूफ बोलने का मन हुआ ना तो मैं डायरेक्ट तेरे मुंह पे बोलूंगा, समझा? अरे भाई क्या हुआ, सब लोग सुबह सुबह कंपाउंड में क्यों जमा हुए? ओ कुछ नहीं चाचा जी, जेठा प्रा और पिडू के बीच में गलतफहमी हो गई थी, इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग वक्त पर आ गए, वरना दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। तू सोसाइटी में झगड़ा करता है, हाथापाई करता है, मेरे साथ हाथापाई। अरे नहीं कोई हाथापाई नहीं किया बाबूजी, बाबूजी कुछ नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? अरे बाबूजी देखिए चाचा जी आप मेरी बात समझिए, देखिए सुबह को जो दोस्तों बीच में मत बोल, हट जा वरना तुझे मारूंगा। अरे बाबूजी मेरी बात सुनिए, कोई हाथापाई नहीं कर रहा था बाबूजी। अरे तो ये बोबट ने क्या बोला अभी, वो झूठ बोल रहा था। नहीं 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 नही
मैं सिर्फ ये कह रहा था, मतलब हाथापाई हुई नहीं है लेकिन हो जाती है, ऐसे बोल रहा था मैं। बेवकूफ। ओ जेठालाल, बेवकूफ किसे बोल रहे हो? क्यों, अब क्यों मेरी लगी पोपटलाल? दोस्ती में तो सब चलता है ना। हाँ, अरे एक मिनट, दोस्ती या गुस्से में कोई किसी को बेवकूफ नहीं बोलेगा, बस। सुना जेठालाल, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचा जी, ये भिड़े और जेठालाल के बीच में जो झगड़ा हुआ ना, वो अभी ये बेवकूफ शब्द की वजह से ही हुआ है। अब यार, ये डिब्बा क्या कह रहा है? वो इस बार सही कह रहा है। ये बहुत लंबी बात है बापू जी, आप घर चलिए, मैं शांति से विगतवार आपको सब समझाता हूँ। चलिए आइए घर। हाँ चलो 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 चल भिड़े। हाँ तो बाबूजी, कुल मिला के ये सब गलत फहमी हुई। हाँ ठीक है, बराबर है, भिड़ने मास्टर को गलत फहमी हुई तो वो गुस्सा हो गया, लेकिन तुझे तो शांति रखनी चाहिए थी। सॉरी बाबूजी, सॉरी। जा अभी जाके तैयार हो जा, दुकान जाना है ना। हाँ हाँ हाँ, बोलने से पहले इतना सोचना क्यों पड़ा जेठे? फिर से सोने का ही रहता था क्या? नहीं नहीं, अभी कहाँ सोऊंगा, ये भिड़े ने मस्त जगा दिया मुझे। खुद ने बस अभी तैयार होकर दुकान ही जा रहा हूँ। हाँ बोल भाई, अब क्या हुआ? सॉरी सेठ जी, वो भिड़े भाई के प्रकरण में आपको गुड न्यूज बताना तो रह ही गया। अरे तेरी वजह से भिड़े ने मेरी सुबह बिगाड़ी, पर तू मुझे गुड न्यूज देना चाहता है? अरे नहीं सुनने मुझे का गुड न्यूज, तुम्हारे लिए जो गुड होता है ना, वो मेरे लिए बैड ही निकलता है भाई। नहीं नहीं सेठ जी, मेरे और नट्टू काका को लेके आपके मन में बहुत गलत धारणा है, बाकी हम तो आपके वेल विशर्स है। कोई वेल विशर नहीं है भाई, तुम दोनों मेरे हित शत्रु हो। हित शत्रु? हित शत्रु? हित शत्रु नहीं सेठ जी, हितेच्छु कहना चाह रहे हैं। हेलो, अरे फोन रख दिया क्या, तो बताओ तो सही। नहीं नहीं सेठ जी, गुड न्यूज सुनाए बगैर कैसे फोन रखेंगे? सुना सुना भागा, गुड न्यूज सुना जी। तो सुनिए, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है ना, लेकिन अब आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्यों, तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए गांव वापस जा रहे हो? सेठ जी, नहीं सेठ जी, लेकिन हमें आपकी समस्याएं दूर करने के लिए एक जरबे सलाह पावरफुल इलाज मिल गया है। अरे भाई, विधाता ने स्पेशल केस में रविवार के दिन फुर्सत में बैठ के चुन चुन के एक एक समस्या मेरी किस्मत में लिखी है, अब तुम दोनों उसे दूर करोगे? मतलब तुम दोनों क्या विधाता से भी बढ़कर हो? अरे सेठ जी सुनिए तो सही, हमें एक ऐसी चमत्कारी चीज मिली है जिससे आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और खुशियां ही खुशियां होगी। क्या क्या चमत्कारी चीज मिली है? ना 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 ना, वो आपको हम फोन पे नहीं बता सकते, उसके लिए आपको फटाफट दुकान आना पड़ेगा। जल्दी जल्दी दुकान आ जाइए सेठ जी, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। अरे बताओ ना भाई। नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोन पे नहीं बताने की एक वजह है। क्या वजह है सेठ जी? जब दुकान पर आते ही आपको ये चमत्कारी चीज का पता चलेगा और तभी आपके चेहरे पे जो खुशी का सागर उमड़ेगा वो हम देखना चाहते हैं, इसलिए फोन पर नहीं बता रहे हैं। ओके, चलिए चलिए फटाफट दुकान पहुंचिए। बाय। नट्टू काका वाह, चलिए चलिए जल्दी जल्दी दुकान चलते हैं। अभी ये दोनों क्या नई चमत्कारी आइटम लेके आए, चलो जो भी है दुकान जाके ही पता चलेगा। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। ओ मेहता साहब। अरे जेठालाल तुम क्या बात है भाई, आप तो देख ही नहीं रहे। मैंने माना कि जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि पीछे वाले पे ध्यान ही ना जाए। अरे ऐसी बात नहीं है भाई जेठालाल, आज सुबह ही सुबह गुड मॉर्निंग की बाढ़ सी आ गई, तो अचानक पीछे से तुम्हारी गुड मॉर्निंग की एक लहर और उठी, तो मैंने बिना पीछे देखे हाथ लहरा दिया।
सॉरी क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, कहाँ ऑफिस? नहीं, ये लैपटॉप और लंच बॉक्स लेके नृत्य करने जा रहा हूँ। क्या हो गया आपको सुबह सुबह भाई? मैंने तो खाली इसलिए पूछा कि अगर डायरेक्ट ऑफिस जा रहे हैं तो मैं आपको छोड़ता हुआ चलूं। ओ अच्छा। वैसे जयसल तुम्हारी कुंडली भी कमाल की यार, लेना ना देना भिड़े सुबह सुबह बरस गया। अरे देखो ना यार, चलो अनचाही समस्या थी सुलझ गई। हाँ एक समस्या सुलझ गई, लेकिन दूसरी अभी दुकान पे रेडी बैठी है। क्या मतलब? मतलब सुबह 7 से 9 के कोटे की जो समस्या थी वो तो सुलझ गई, लेकिन अभी 9 के बाद के कोटे की जो समस्या है वो रेडी खड़ी है दुकान पे। अब क्या हुआ जेठालाल? अरे भाई नट्टू काकर भागा का मुझे फोन था कि भाई उनके पास कोई ऐसी चमत्कारी चीज है जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। जेठालाल एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि एक और समस्या इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि नट्टू काकर भागा के पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकती है। तो फिर समस्या क्या है जेठालाल? समझाता हूँ। मान लो कड़कड़ती ठंडी में कड़क बर्फ आके आपको बोले कि मैं आपकी ठंडी दूर कर सकता हूँ, तो इसका क्या मतलब? तो वही पूछ रहा हूँ, क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? बर्फ ठंडी समझ के बारे भाई, जो समझ में आए से कुछ स्पष्ट भाषा में समझाओ ना जेठालाल। ठीक है समझाता हूँ। अभी क्या है, नट्टू काका और बग्गा खुद ही मेरे जीवन में आने वाली लगभग समस्याओं के सर्जक और निर्माता है। अभी वही मुझसे कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरी समस्या दूर हो सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नट्टू काका और बाघा तुम्हारी समस्या को सुलझाएंगे नहीं बल्कि और उसे उलझा देंगे। हाँ। अरे तो भाई सीधा सीधा बोलो ना भाई जेठालाल, बात क्या? बीच में बर्फ और कड़क करती ठंड और बड़बड़ती और पता नहीं क्या क्या लेके आ गए तुम, स्पष्ट भाषा में बता देते ना। है, मुझे लगा आप लेखक है। मुझे लगा मतलब जेठालाल, ये लगा क्या होता है भाई, मैं लेखक हूँ। हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि लेखक लोगों के साथ अगर आप अलंकारिक भाषा में बात करो तो उनको अच्छा लगता है। जेठालाल कलंकारिक नहीं अलंकारिक। सॉरी सॉरी, हाँ मतलब वही छोड़ो ना, आप ठीक समझे। नट्टू काका भागा की बात आप बिल्कुल बराबर समझे। तो मैं क्या कह रहा हूँ मेहता साहब, अभी ऑफिस जाते जाते एक 10 मिनट जरा मेरी दुकान पे होके जाइए। क्यों? क्या उधर समस्या रेडी है? तो वो सुन के उसका जो भी निवारण है वो देख फिर आप निकल जाओ ऑफिस, वरना क्या होगा, अभी आप ऑफिस जाएंगे मैं दुकान जाऊंगा, फिर मैं आपको फोन करूंगा कि जरा आओ समस्या है, आप मेरी दुकान आएंगे, उसमें टाइम जाएगा ना, ये तो क्या फटाफट 10 मिनट में निपट जाएगा, फिर आप पूरा दिन फ्री। बहुत अच्छे जेठालाल, तुम मेरी नौकरी को समझते क्या हो भाई? मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, अपनी मर्जी से अपने काम पे नहीं जा सकता हूँ, एक वक्त है उस पे जाना पड़ता है। ऐसे नहीं बोल सकता भाई, दोस्त की कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा लेट आ गया, नौकरी से निकल जाऊंगा मैं। अब तुम खुद फर्ज करो, नट्टू काका और बागा कल से यही करना शुरू कर दें कि तुम्हारी दुकान पे जब जी चाहे आए जब जी चाहे जाए, तुम सहन करोगे? चलेगा तुम्हें? आप अपनी तुलना उनके साथ कहाँ कर रहे हैं मेहता साहब, वो थोड़ी किसी के फायर ब्रिगेड है, और अगर ऐसा ही है तो आपको नहीं बनना चाहिए था ना मेरा फायर ब्रिगेड। नहीं बनना था मतलब जेठालाल, ये नहीं बनना था का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें कोई लिखित आवेदन दिया था, एक एप्लीकेशन लिखी थी, परम आदरणीय जेठालाल जी विषय फायर ब्रिगेड बनने हेतु, महोदय विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि आप आए दिन मुसीबतों की आग में घिरे रहते हैं, अतः आपको एक फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है, अतः इस पद के लिए मैं अपने आप को निःशुल्क आपके समक्ष समर्पित करता हूँ और इस पद हेतु आवेदन करता हूँ, भवदीय तारक मेहता। मैंने ऐसी एप्लीकेशन लिखी थी। जेठालाल तुम्हारी अपनी समस्या है, तुम खुद सुलझाओ और नट्टू काका और बाघा से स्वयं सामना करो, मैं चला। अरे सुनो तो, नहीं अरे मैं छोड़ता हूं आपको, मुझे जाना ही नहीं। अरे मेहता साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिया, चलो जो भी है दुकान जाकर निपटना तो पड़ेगा ही। लीजिए साहब, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, झगड़े का कोई कारण ही नहीं था। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है बिना कारण पे मतलब छोटी छोटी बातों पे फिजूल बातों पे हम लड़ पड़ते हैं, जैसे घर में किसी ने कोई चीज सही जगह पे नहीं रखी, न्यूज़पेपर लेट आया, किसी ने गलत जगह पार्किंग कर दी, या कोई सिग्नल पे गलत साइड से ओवरटेक करके चला गया। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़े, लेकिन ऐसे झगड़ों से हमें बचना चाहिए। खैर साहब खुशी की बात यह है कि यहाँ इस वक्त गोकुल धाम में शांति ही शांति है, झगड़ा शांत हो गया है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल का दिमाग शांत नहीं हो सकता। अभी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ये चमत्कारी चीज का राज क्या है। आपके और हमारे दिमाग में भी यही चल रहा है कि आखिर ये राज क्या है। इस राज से पर्दा उठेगा, लेकिन जब भी पर्दा उठेगा जबरदस्त मजेदार और कमाल के हंसी के हंगामे होंगे आपके घरों में, क्योंकि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू।
पूरे 20 टीवी की डिलीवरी परसों तक हो जाएगी। ओके ओके थैंक यू। बागा चमत्कार हो गया। सुना मैंने सुना नट्टू काका, विक्रम भाई ने 20 टीवी का ऑर्डर कंफर्म कर दिया। वाह नट्टू काका वाह, इस चमत्कारिक अंगूठी ने फिर से चमत्कार कर दिखाया। सच में दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। आज तो सेठ जी की किस्मत बदल देंगे। अब तो सेठ जी के जीवन की सारी समस्याएं डिलीट और खुशियां ही खुशियां डाउनलोड करेंगे। जब सेठ जी को हम इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताएंगे तो ये सुनकर सेठ जी कितने खुश हो जाएंगे। अरे बागा, सेठ जी चमत्कारी अंगूठी के बारे में सुन के सिर्फ खुशी नहीं होंगे, खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। हाँ नट्टू काका, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है, सेठ जी एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। खुशी के मारे हमें गले लगा लेंगे, हमारे साथ गरबा खेलेंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि हम दोनों को पार्टी देंगे पार्टी। अरे बागा, मेरा दिल तो कह रहा है सेठ जी और खुश होकर हमारी पगार बढ़ा देंगे। आज से हमारे और सेठ जी के जीवन में सोने का सूरज उगेगा। हाँ उगेगा। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी इस चमत्कारी अंगूठी पे विश्वास करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। हम सेठ जी को हमारी अंगूठी के चमत्कार के अनुभव बताएंगे, पर फिर भी अगर वो नहीं माने ना तो वो वीडियो दिखाएंगे। बराबर है, आइए हम भी वीडियो देखते हैं नट्टू काका। हाँ। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है? यह नौकरी मिली है पर आप संतुष्ट नहीं है, आपके रुके हुए काम नहीं बन पा रहे, आपकी शादी में अड़चने आ रही, ऊपर से आपके घर वाले और आपके रिश्तेदारों ने आपको परेशान कर रखा है, क्या आपके ससुराल वालों ने भी आपकी नाक में दम मचा रखा है, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं? ये देखो, दुकान में ध्यान देने की बजाय लोग मोबाइल में पिक्चर देख रहे। अरे ऐसा तो कोई आके मोबाइल चोरी करके लेके जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा इनको। और ये मेरी समस्या दूर करने की बात कर रहे थे। क्या आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं? अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान है हमारे पास। ये अंगूठी दूर करे समस्या सारी, अंगूठी चमत्कारी। तो आज ही अपनी समस्या की अंगूठी के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करें, कीमत मात्र 999 रुपए। नट्टू काका बाघा। सेठ जी। अरे वाह सेठ जी, आप आ गए। हाँ मैं तो आ गया, लेकिन ये क्या है, ये मोबाइल का बॉक्स खुला क्यों पड़ा है? बाघा ये क्या? हाँ नट्टू काका, ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया क्या, मोबाइल चोरी हो गया। ध्यान कहाँ तुम दोनों का, दुकान में तुम लोग ऐसे मोबाइल पे पिक्चर देखते रहोगे तो मोबाइल चोरी हो जाएगा ना। अब बिल्कुल फिकर मत कीजिए सेठ जी, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, मोबाइल अभी वापस मिल जाएगा। ए जादुई अंगूठी, जल्दी से मोबाइल का पता लगा जा। एक मिनट, ये क्या, ये क्या, ये क्या? सेठ जी ये जादुई अंगूठी है, जादुई अंगूठी, इसे कोई भी समस्या बताओ सॉल्यूशन यूं मिल जाता है। देखना जो मोबाइल चोरी हुआ है ना, अब भी थोड़ी देर में वापस मिल जाएगा। अच्छा अच्छा देखते हैं। आएगा आएगा। कौन? मोबाइल। अपने आप चल के? नहीं नहीं नहीं, जिसने मोबाइल चोरी किया है ना वो सामने से आके मोबाइल देके जाएगा। अरे क्या बेवकूफ जैसे बात कर रहे तो? कोई चोर आने वाला नहीं है मोबाइल लेके। मोबाइल यहाँ है, मैंने लिया था ये बॉक्स में से, और ये बॉक्स यहाँ से निकाला था मैंने जब तुम दोनों मोबाइल में पिक्चर देख रहे थे तभी। लेकिन सेठ जी आपने अपने ही दुकान में खुद चोरी की? हाँ, आप दोनों को सबक सिखाने के लिए। कुछ पता चला, मैं दुकान में आया, इसमें से बॉक्स निकाला, बॉक्स इधर रखा, मोबाइल निकाला, मोबाइल जेब में रखा और बाहर चला गया। पता चला कुछ नहीं?
आप लोग तो मस्ती से वो मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं। आप दोनों इसी तरह बेध्यान रहे तो एक दिन चोर सच में आके चोरी करके कुछ न कुछ लेके जाएगा। हाँ तो लेके जाने दो, करने दो चोरी। हमारे पास है जादुई अंगूठी है ना, ये अंगूठी की वजह से जो कोई चीज भी चोरी होगी अपने आप मिल जाएगी, दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। अरे बंद करो ये अंधश्रद्धा की बातें, बंद करो। ये अंधश्रद्धा की बातें नहीं है सेठ जी, अभी आपके सामने ही चमत्कार हुआ ना। मैंने क्या कहा था, जिसने भी मोबाइल चुराया होगा वो सामने से आके मोबाइल दे के जाएगा। अब मोबाइल आपने चुराया था, मतलब मोबाइल आपने लिया था तो आपने सामने से मोबाइल दे दिया ना। सेठ जी मैं तो कहता हूँ आप भी अंगूठी मंगवा कर पहन लीजिए, देखना आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तू जो मेरी समस्या दूर करने की बात कर रहा था वो ये फालतू अंगूठी के भरोसे समस्या दूर करने की बात कर रहा था। फालतू? नहीं नहीं सेठ जी, ये अंगूठी फालतू नहीं है। मगर सेठ जी को अंगूठी का वीडियो दिखा। जी सेठ जी, जिस तरह गर्मा गर्म शीरा आराम से गले के नीचे उतर जाता है वैसे ही वीडियो देखने के बाद अंगूठी आपके गले के नीचे उतर जाएगी। मतलब वीडियो देखने के बाद अंगूठी के महिमा के बारे में आपको सब पता चल जाएगा। वीडियो देखिए। अरे नहीं भाई नहीं, बाजू चल, नहीं देखना कोई वीडियो वीडियो मुझे। अरे सेठ जी सुनिए तो, आप इस अंगूठी को पवित्र मन और पूरी श्रद्धा से धारण कीजिए। सिर्फ एक मिनट का वीडियो सेठ जी, देख लीजिए। पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा सोचिए, ईश्वर से आराधना कीजिए कि आपके काम बने, आपकी समस्याएं दूर हों। चलिए मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जिन्होंने इस चमत्कारी अंगूठी को धारण करके लाभ प्राप्त किया है और अपनी समस्याओं को दूर किया है। नमस्कार, मेरा नाम जयंत है। पहले मैं मेरे सेठ से बहुत परेशान रहता था। मेरे सेठ मुझसे पूरा हफ्ता काम करवाते थे, संडे को भी छुट्टी नहीं देते थे, पर चमत्कारी अंगूठी पहनने से सारी समस्याएं दूर हो गई। मैंने इस चमत्कारी अंगूठी पर पहले यकीन नहीं किया, फिर मैंने चांस लिया। नौकरी की समस्या निवारण अंगूठी मैंने 999 रुपए में मंगवाई और मैंने इसे पहनी। 2 दिन में चमत्कार हुआ। मेरे सेठ जी का बेटा अमेरिका से आया और दुकान संभाल ली और मुझे संडे के साथ साथ सैटरडे को भी छुट्टी मिल गई। सच में दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। ये अंगूठी तुम दोनों ने 999 रुपए में खरीदी? अरे क्या हा? अरे ये सब झूठ है, सब एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं। अंगूठी की तारीफ करने को उनको पैसे मिलते हैं, ये सब झूठ होता है। नहीं नहीं सेठ जी, ये झूठ नहीं है, सच है। आप हमारा अनुभव सुनिए। हाँ सेठ जी, परसों जब आप दुकान से घर गए फिर मैं और नट्टू काका गोडाउन में बैठ के मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे, तब हमने चमत्कारिक अंगूठी का वीडियो देखा और तुरंत मैंने और नट्टू काका ने इस चमत्कारिक अंगूठी का ऑर्डर दे दिया और कल तो ये चमत्कारिक अंगूठी आ भी गई और हमने पहन भी ली। और अंगूठी पहनते ही हमारी लाइफ में जबरदस्त चमत्कार हुआ। चमत्कार हुआ? क्या हुआ सेठ जी? कल मुझे और नट्टू काका दोनों को खीर खाने की एकदम तीव्र इच्छा हुई। तो हमने पद्मावती भोजनालय में फोन करके पूछा कि भाई खीर बन सकती है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर हमने और एक दो होटलों में फोन किया तो भी खीर नहीं मिली। हाँ, फिर क्या हुआ पता है? खीर की बरसात हुई। What a wild imagination, सेठ जी। नहीं नहीं सेठ जी, खीर की बरसात नहीं हुई। तो क्या हुआ? बताता हूँ। फिर हमने अंगूठी को चूम के प्रार्थना की, दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। ये चमत्कारी अंगूठी, हमें खीर खाने की बहुत इच्छा है। बागा अंकल, नटू काका। अरे छोटू तू, पावरी दीदी ने खीर बनाई है और आप दोनों के लिए भिजवाई है, ये लीजिए। जय हो चमत्कारी अंगूठी, जय हो। देखा सेठ जी, मेरा और बावरी जी का झगड़ा हो गया था। बावरी जी मुझ पे गुस्सा थी,
फिर भी बावरी जी की ओर से हमें खीर खाने मिल गई। देखा है अंगूठी का चमत्कार? अरे ये कोई चमत्कार नहीं है नटू काका, ये तुम दोनों ने मेरे सामने ये सब बोला वो बोला, बापू जी के सामने गलती से भी बोलना मत, वरना तुम दोनों को वापस गांव भेज देंगे हुंडई। और ये खीर खाने को मिली उसमें अंगूठी का कोई चमत्कार नहीं है, बावरी का उपकार है। अरे मैं से सही हो गए भाई, वो कागनू बेसपुन डालनू पड़ू, तुम दोनों को खीर खाने की इच्छा हुई और खीर खाने को मिल गई। ठीक है सेठ जी, माना माना कि ये संयोग है, लेकिन संयोग सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। आज सुबह ही इस चमत्कारिक अंगूठी ने अपना चमत्कार फिर से दिखाया। तो सुनिए चमत्कार नंबर टू, बागा नरेश। नरेश जी, नटू काका, सेठ जी मुझे और नटू काका को हमारे घर से गडा इलेक्ट्रॉनिक्स आने के लिए रिक्शा तुरंत कभी नहीं मिलती थी। रिक्शा रिक्शा ए रिक्शा रिक्शा। नटू काका, दुकान में काम करते वक्त इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी सुबह सुबह रिक्शा ढूंढने में करनी पड़ती है। भागा रिक्शा के पीछे मत भाग, रिक्शा अपने आप मिल जाएगी। कैसे? जैसे कल खीर मिल गई थी। नटू काका, दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। ए अंगूठी, जल्दी से फटाफट रिक्शा भेज। आ गई। अशोक नगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरी रिक्शा में आइए ना, मैं 40 रुपए में छोड़ दूंगा आपको। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे में आइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप जितना देंगे उतने में ही छोड़ दूंगा। पहली बार सेठ जी, पहली बार तीन तीन रिक्शा वाले हम चाचा भतीजा को यहाँ गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स तक छोड़ने के लिए तैयार थे। बोलिए सेठ जी बोलिए, अभी तो मानते हैं ना चमत्कारिक अंगूठी का चमत्कार। बागा, लगता है सेठ जी अभी भी नहीं मान रहे हैं। एक काम कर, सुबह वाला चमत्कार सुना। सेठ जी आज सुबह दुकान में आते ही मैंने अंगूठी को चूमा और प्रार्थना की कि हमें बड़ा ऑर्डर मिले, और पता है वो विक्रम भाई ने 20 टीवी का ऑर्डर कंफर्म कर दिया। अरे वाह, ऑर्डर मिल गया? हाँ, आपके आने से पहले ही उन्होंने फोन पे ऑर्डर कंफर्म कर दिया। सेठ जी अब तो मानते हैं ना अंगूठी के चमत्कार को। अरे ये कोई अंगूठी का चमत्कार नहीं है भाई, ये ऑर्डर हमको मिले इसके लिए पिछले एक महीने से मैं विक्रम भाई के पीछे पड़ा था। ये भी एक महज सही होंगे कि आप दोनों ने अंगूठी पहनी और विक्रम भाई का ऑर्डर कंफर्म का फोन आया। सेठ जी भले ही आप ना मानो, लेकिन ये अंगूठी समस्या जरूर दूर करती है और हर रुके काम पूरे करती है। अरे बंद करो ये अंधश्रद्धा की बातें अभी, वरना मैं अभी एक ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा ना, एक ही सेकंड में तुम दोनों की पगार कम हो जाएगी। दिखाओ। सॉरी टू से सेठ जी, लेकिन आपको हमें जितना डांटना हो आप डांट लीजिए, लेकिन प्लीज इस चमत्कारिक अंगूठी को कुछ मत कहिए। सच में ये अंगूठी सारे प्रॉब्लम दूर कर देती है। अरे बस अभी बस करो ये अंगूठी के पारायण, और धंधे में ध्यान दो। मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना दुकान में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मोबाइल मोबाइल वीडियो वीडियो देखना मत। हाँ जी। ये अंधविश्वास भी क्या चीज है, अच्छे भले आदमी के डागड़ी चस्का देती है। अब ये नटू काका और बागा वैसे तो कितने समझदार है, कई बार कितनी सुलझी हुई बातें करते हैं, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में आ गए, सारी समझदारी उड़न छू हो गई। ये अंधविश्वास समाज के लिए बहुत हानिकारक है, कुछ करना चाहिए। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को बोलता हूँ कि इस विषय पे एक तड़कता फड़कता लेख लिख डाले, ताकि लोगों में जरा जागरूकता फैले। ओ, बोला था जेठालाल को कि अपनी समस्या का सामना खुद करो, पर हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, क्या कर रहे हैं? गुलाब जामुन बेच रहा हूँ भाई। क्या?
अरे जेठालाल, मैंने सुबह ही तुम्हें बताया कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। एक नौकरी पेशा आदमी अपने ऑफिस में क्या करेगा भाई, काम करेगा ना, काम ही कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह फुर्सत में नहीं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं भी फुर्सत में नहीं हूँ। तो फिर फोन क्यों किया जेठालाल? वो आपको याद है, मैंने सुबह आपसे कहा था कि वो नट्टू काका और भागा के पास कोई चमत्कारी चीज है। हाँ तो बताओ। हाँ तो उसी के सिलसिले में आपको कुछ बताने के लिए फोन किया मैंने। अच्छा तो बताओ। अभी क्या है, ये जो भागा और नट्टू काका है ना, वो जेठालाल एक बात तो कहनी पड़ेगी, अभी कमाल है तुम्हारे ये चाचा भतीजा, दोनों की जोड़ी गजब है भाई, गजब। अरे गजब मतलब मेहता साहब एकदम गजब है। मैंने उनको कितना समझाया कि अरे भाई ये अंगूठी बंगूठी से कोई चमत्कार होते ना, अंधविश्वास है, तो उल्टा वाला मुझे समझाने लगे कि नहीं नहीं सर जी, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सब सच है, आप भी मानिए। अंगूठी को लेकर दोनों एकदम पागल हो गए। नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ जेठा, लेकिन एक बात बताऊँ, तुमने जो सारी कहानी मुझे सुनाई इसमें मुझे एक लाभ हो गया, मुझे आज का विषय मिल गया है मेरे लेख के लिए, अंधविश्वास। अंधविश्वास पे लिखूंगा मैं। हाँ तो वही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया कि भाई आप ये विषय पे कोई बढ़िया सा लेख लिखो, ताकि समाज में नट्टू काका और भागा जैसे लोगों में जागरूकता फैले। नहीं बिल्कुल जेठालाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जागरूकता लाना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं लिखूंगा इसके खिलाफ। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है जेठालाल, कि तुम अंधविश्वास में नहीं मानते। सवाल ही नहीं उठता मेहता साहब कि मैं मानूं। अरे भाई मैं कच्ची माड़ू, हम कच्चे लोग के कड़ी मेहनत में विश्वास रखते है, ऐसे सब ये अंगूठी से चमत्कार होता है नहीं, ऐसी सब बातों में हम लोग विश्वास ही नहीं रखते भाई। बिल्कुल, और अब मैं फोन जरूर रख देता हूँ जेठालाल, क्योंकि अगर मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बातचीत करते हुए देख लिया ना, तो नौकरी से एक मिनट में निकाल बार करेंगे। शाम को मिलते फिर अब्दुल शॉप में। ओके मेहता साहब, ओके। सर जी। हाँ बोल। आपको आपके सोसाइटी से कोई मिलने आया है? कौन? वो बीसे नाम है उनका। बबीता जी? नहीं नहीं जेंट्स है, मेरे जैसी हेयर स्टाइल है। भीड़े? हाँ भीड़े भाई, भीड़े भाई। हाँ तो पूछने क्या है, भेज उनको। वो नट्टू काका ने भेजा है, बोला सेठ जी का मूड खराब है, एक बार पूछ लो। ये नट्टू काका भी, अरे भेज भाई भेज, जल्दी भेज उनको। जेठालाल कुछ नया सिस्टम शुरू किया क्या, अपॉइंटमेंट के बगैर मिलना नहीं है? अरे नहीं भाई नहीं सॉरी, वो नट्टू काका भी पता नहीं। बोल बोल कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया। अरे सुबह तो सॉरी बोला तूने भाई, और कितनी बार सॉरी बोलेगा, सकाड़ी तुमसे भावना पोचली होती, आता परत भावना लगाऊ नहीं थे का आले। जेठालाल सुबह की बात के लिए नहीं भाई, ये कल वाली बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अगर मैंने कल ही तुम्हारी बात मान ली होती और नई स्त्री खरीद ली होती, तो ना ही सुबह अपना झगड़ा होता और ना ही फिर से मुझे अभी यहाँ पे आना पड़ता। तो अभी तुम्हारी दुकान से मैंने नई स्त्री खरीद ली। अरे वाह, खरीद ली, वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सच बता, माधवी भाभी ने तुझे बोला इसलिए तो है ना स्त्री खरीदने? नहीं 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 सच का ही नहीं, लेकिन मैंने सोचा तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अभी मुझे नई स्त्री खरीदनी चाहिए। अच्छा बाद में मतलब पहले तो माधवी भाभी ने डांटा ना तुझे? तो सोड़ना जेठाला, अभी ले ली ना स्त्री मैंने। ठीक है चला, सोड़ा सोड़ा सोड़ा। बोल बोल क्या पिएगा, चाय मंगाओ मस्त कड़क मसाला। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब ऐसे जेठाला, नट्टू काका ने इस स्त्री के मेरे से 1430 रुपए लिए, तो बराबर है ना? 1430 लिए तुझसे नट्टू काका ने? हाँ। अरे भाई बहुत गलत भाव में देती तुझे स्त्री। दरअसल क्या, हम लोग यह 1550 में बेचते हैं, 1430 में तो हमको घर में पड़ती है। अच्छा ओ, मतलब 120 रुपए और मुझे देने? अरे नहीं रहने दे भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। तू कल आया तो कल ही मैंने बोला ना तुझे भाई, क्या गोकुलधाम सोसाइटी से कोई भी मेरी दुकान में खरीदी करने आता है तो मैं भाव टू भाव में माल देता हूँ भाई, तुझे ये स्त्री ये भाव में पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। चलो जेठालाल, वो नट्टू काका और भागा कुछ वो अंगूठी के बारे में बात कर रहे थे, क्या चक्कर क्या है? तुझे भी बताया? हाँ मुझे बोल रहे थे कि स्त्री स्त्री छोड़ो अंगूठी ले लो। बोलो अरे ये दोनों अंगूठी के पीछे पागल हो गए हैं, अंधविश्वास के कुएं में कूद चुके हैं, तुझे भी कूदना है? अरे नहीं नहीं जेठालाल, मैं शिक्षक हूँ, मैं खुद दूसरों को पढ़ाता हूँ कि अंधविश्वास ही नहीं होना चाहिए, मैं कैसे कूदूंगा। हाँ चलो चलता हूँ। ओके नट्टू काका और भागा भी ना अंगूठी के पीछे दीवाने हो गए।
नटू काका और बाबा के पास चमत्कारी अंगूठी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा है और ऐसा होता है। वो कहते हैं कि भाई ये चमत्कारी अंगूठी जो भी पहन ले उसे चमत्कार का अनुभव जरूर होता है। नटू काका और बाबा ने अपने साथ हुए चमत्कारों की फेहरिस्त भी बता दी है, बता दिया है कि क्या क्या चमत्कार हुए। अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने इस चमत्कार को दूर से ही नमस्कार कर लिया, यानी कि मेरे परम मित्र जेठालाल ने इसे अंधविश्वास ही माना है। वरना आप जानते हैं जेठालाल किसी बात पर विश्वास करने लग जाए तो फिर उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं हो। लेकिन मित्रों एक बात बता दूं, चमत्कार तो होंगे, जैसे एक नल टपकता है टप 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 पानी की बूंदें टपकती है, ठीक वैसे ही एक के बाद एक चमत्कार लेके आएंगे आपके घरों में हंसी। अब क्या चमत्कार होंगे, किस तरह से होंगे और हंसी कैसे छूटेगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मिनट, अभी क्या हुआ? सेठ जी, आप इस अंगूठी के चमत्कार को नहीं मानते हैं ना, अब मानोगे। कैसे? अरे अभी अभी 10 फ्रिज बिके और अंगूठी के चमत्कार को तो देखिए, कल तक जो भीड़े भाई नई स्त्री लेने के लिए मना कर रहे थे वो अभी अभी दुकान में आए और नई स्त्री लेकर गए। ये भीड़े स्त्री लेके गया, उसमें हम कितना कमाए? एक भी नहीं, भाव टू भाव ही दे दी। तो इसमें क्या चमत्कार हुआ भाई? अगर भीड़े ज्यादा पैसे दे के जाता तो मैं मानता कि अरे भाई ये तो चमत्कार हो गया। ये सेठ जी, कॉस्ट टू कॉस्ट, ज्यादा पैसे कम पैसे ये सब छोड़िए, जो भीड़े भाई स्त्री लेने के लिए मना कर रहे थे वो आज आए और नई स्त्री लेकर गए, क्या वो कोई चमत्कार नहीं है? और एक साथ 10 फ्रिज बिके, 10 फ्रिज, एक तो नहीं पूरे 10 फ्रिज, वो भी हमारे रेगुलर प्रॉफिट मार्जिन के साथ, क्या ये कोई फायदा नहीं है? ऑफ कोर्स फायदा है सेठ जी, अब तो इस अंगूठी के चमत्कार को मानिए। अरे क्या मानिए भाई, जिंदगी में क्या पहली बार हमको 10 फ्रिज का ऑर्डर मिला है? ये फ्रिज के ऑर्डर का अंगूठी से क्या लेना देना? लेना देना है सेठ जी, लेना देना है। पिछले 1.5 महीने में हमने एक भी फ्रिज नहीं बेचा और आज देखिए अंगूठी के पहनते ही एक साथ 10 फ्रिज बिक गए, वो भी ऐसी खतरनाक मंदी में, क्या ये अंगूठी का चमत्कार नहीं है? अरे भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, मैं ये अंगूठी के अंधविश्वास में नहीं मानता। ठीक है, मत मानिए सेठ जी, मत मानिए। नटू काका, सेठ जी हमारी इस बात को नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने मन में जो संकल्प किया है वो संकल्प जब पूरा होगा तब सेठ जी हमारी बात मानेंगे। हाँ, क्या क्या संकल्प किया है तुम दोनों ने? सेठ जी, ये अंगूठी पहनकर हमने ये संकल्प किया है कि सेठ जी अब तो हमारी पगार जरूर बढ़ाएंगे और वो भी खुशी खुशी। और जब इस अंगूठी की वजह से वो चमत्कार होगा तब आप यकीन करेंगे। बहुत विश्वास है अपनी अंगूठी पे है? हाँ ठीक है, तो एक काम करो, तू एक काम कर बागा, जसवंत भाई याद है ना, जिनके पास हमारे 80,000 का पेमेंट 2 साल से बाकी है। हाँ याद है ना सेठ जी, मैं खुद कितनी बार गया उनके यहाँ पेमेंट लेने। हाँ तो अभी अंगूठी पहनी है ना, तो जा उनके पास और पेमेंट लेके आ। अगर उन्होंने पेमेंट दे दिया तो मैं वो पेमेंट का 50% तुझे दे दूंगा, मतलब 80,000 का 40,000 तेरा। जा। 40,000? डन सेठ जी। एक मिनट भाई, पूरी बात तो सुन, लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिला तो तुम दोनों के पगार में से मैं 10-10% काट लूंगा। डन। ओहो, अंधविश्वास में इतना विश्वास? वो तो टाइम विल टेल सेठ जी। बागा, क्या पेमेंट लेके आ? फतेह कर। आई आई सर। सेठ जी, आपने जबान दी है, 40,000 देने पड़ेंगे। हाँ अरे पेमेंट आने तो दो, जैसे आपको विश्वास है कि वो पेमेंट लेके आएगा ही, वैसे मुझे भी पूरा विश्वास है कि उसे पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देखते हैं। क्या हुआ, बार बार दरवाजे की ओर क्या देख रहे हैं?
और आपकी गर्दन रह जाएगी लेकिन बागा नहीं आने वाला है। करो करो फोन करो, पूछो कहाँ है। अरे 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 क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहा है आपका। अरे कहाँ से उठाएगा, किस मुंह से कहेगा वो कि पेमेंट नहीं मिला है। मान लो ये अंगूठी पहनने से कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होता है। सेठ जी, मुझे इस अंगूठी पर पूरा विश्वास है, बागा आएगा, जरूर आएगा, पेमेंट लेकर आएगा। अरे खाक आएगा, सुबह से रात हो गई, एक पेमेंट लेने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। गया गया आप दोनों का 10-10% पकड़ गया। नहीं नहीं सेठ जी, चमत्कार होगा, जरूर चमत्कार होगा। चमत्कार होगा, चमत्कार होगा बोल बोल कर नट्टू काका ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे भाई जिस आदमी ने मेरा पेमेंट 2 साल से अटका के रखा है, उसके पास कितनी बार आदमी को भेजा, कितनी बार फोन किए, अभी ये अंगूठी पहनने से वो आदमी पेमेंट दे देगा। नहीं, ऐसा थोड़ी चमत्कार होता है। सही बात है। अरे बिल्कुल नहीं होता जेठालाल, और ऐसे चमत्कारों के झांसे में आके लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और फिर खुद का नुकसान करवाते हैं। अभी देखो ये बागा भी कल अपना नुकसान करवाएगा, 10% मैं उसका पगार काटूंगा, कभी आएगा दौड़ते दौड़ते मेरे पास। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये लीजिए सेठ जी, ये लीजिए, जसवंत भाई ने पैसे दे दिए। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार अंगूठी की वजह से हुआ है सेठ जी, और वो जसवंत भाई ने सिर्फ मुद्दल ही नहीं 2 साल का ब्याज भी साथ में दिया है। अब तो आप मानेंगे ना कि अंगूठी चमत्कारी है। अब तो आपको मेरी और नट्टू काका की पगार बढ़ानी ही पड़ेगी। और आपने कहा था ना, अगर मैं पेमेंट लेके आया तो 50% तेरा, तो इसमें से आधे मुझे देने पड़ेंगे। बागा, ये अंगूठी सब कुछ कर सकती है? हाँ। मतलब कुछ भी कर सकती है? कुछ भी पोपट भाई, ये अंगूठी आपकी शादी भी करवा सकती है। सच? मैं तो कहता हूँ आप भी एक अंगूठी का ऑर्डर दे दीजिए और पहनना शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, मुझे पहननी है, बोल उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अरे यार पोपटलाल, कमाल करते हो तुम यार, पढ़े लिखे पत्रकार होके तुम कहाँ इन अंधविश्वासों पे यकीन कर रहे हो भाई। अरे मेहता साहब, आपने सुना नहीं बाघा ने अभी क्या कहा, 2 साल से जो पैसे फंसे थे वो आज अंगूठी के चमत्कार की वजह से वापस आ गए। पर आप इसे अंधविश्वास कह रहे हैं? पर अंधविश्वास तो अंधविश्वास ही है ना भाई पोपटलाल। देखना अभी पोपटलाल अंगूठी में उलझेगा। अभी उलझेगा नहीं, डायरेक्ट अभी के अभी ऑर्डर करेगा। तो वाकई अंगूठी चमत्कारी होगी क्या? भीमा सर, तुम शिक्षकों की ऐसी बातों में मानते हो? ये सिर्फ संयोग है भिड़े, ये तो ऐसा ही है जैसे कौवे का डाल पे बैठना हुआ, डाल का टूटना हुआ। सही बात है। नहीं नहीं, बराबर है, मैं ऑब्वियसली मैं नहीं मानता ऐसी बातों पर, लेकिन संयोग भी इतनी बार होना ये भी बड़ी अजीब बात है। नहीं अरे भाई पीड़े, कोई संयोगों का कोटा या कोई नंबर फिक्स थोड़ी है कि दिन में इतने ही होने चाहिए, हो जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखते हैं अंगूठी पहनने के बाद पोपटलाल के साथ क्या होता है। आइए 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 बागेश्वर जी, आइए, पोपटलाल के घर में आपका स्वागत है, आइए। पोपट भाई थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। पेन थी यार, सॉरी 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 सॉरी। बैठो भाई बैठो। सबसे पहले ये बताओ क्या लोगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं नहीं कुछ नहीं पोपट भाई। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, तुम पहली बार मेरे घर पर आए हो। बराबर है, लेकिन अभी इच्छा नहीं है। थैंक यू पोपट भाई। ठीक है आगा, मुझे भी ना एक ऐसी अंगूठी ऑर्डर करनी है, तो तुम मेरे लिए कर दोगे? हाँ तो उसमें क्या है, अभी अंगूठी की वेबसाइट पे जाके आपके लिए ऑर्डर कर देता हूँ। ये वेबसाइट खुली, अब आपकी सभी समस्याएं चुटकियों में दूर होंगी, मात्र 999 में। कहीं आपके लाखों रुपए फंसे तो वो भी क्या देख रहा है पोपट भाई, ऑर्डर करने से पहले ये सारे वीडियोस आते हैं, ये उन लोगों के अनुभव है जिन्होंने ये अंगूठी इस वेबसाइट से खरीदी है। दिखो दिखो दिखो। चलिए अब मिलवाते हैं आपको जानकी से, जिन्हें वीजा नहीं मिल रहा था, लेकिन चमत्कारी अंगूठी को धारण करते ही उनको चुटकियों में वीजा मिल गया। मैं जानकी अब्रॉड में पढ़ना चाहती थी, पर 3 साल से वीजा नहीं मिल रहा था और मैं बहुत परेशान रहती थी। तब मेरी अमेरिका वाली फ्रेंड ने मुझे इस
चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताया और मैंने ये विदेश योग वाली अंगूठी ऑर्डर की। दो घंटे में अंगूठी घर पर आ गई और एक ही हफ्ते में मुझे मेरा वीजा मिल गया। अरे क्या बात है। तो सच में दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। ये तो अरे आगे देखिए बात ही बात है पोपट भाई। क्या आप शादी करना चाहते हैं? अरे मुझे तो परसों से शादी करनी है। देखा पोपट भाई, अभी तो आपने सिर्फ वीडियो देखा और उनको पता भी चल गया कि आपको शादी करनी है। अरे ये चमत्कारी तो है। एक मिनट भाई, देखने दे सुनने दे भाई। तो अब आपकी शादी की अड़चने दूर होंगी मात्र 999 रुपए में। क्या बात है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं भटिंडा के भूपिंदर जी से, जिनकी शादी में बहुत अड़चने आ रही थी लेकिन इस चमत्कारी अंगूठी को धारण करते ही उनकी सभी अड़चने दूर हो गई। मैं भूपिंदर सिंह बठिंडा से। मैं बहुत परेशान था, मेरी उम्र 45 की हो गई और मेरी शादी नहीं हो रही थी। तभी मेरे दोस्त ने मुझे इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताया। मैंने फौरन ऑर्डर दिया और 3 घंटे में अंगूठी मेरे पास आ गई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। मैंने शादी योग चमत्कारी अंगूठी पहनी और अंगूठी चूमकर शादी के लिए प्रार्थना की और 10 दिन में मेरी शादी हो गई। अच्छा, आज मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे जा रहा हूँ। थैंक यू चमत्कारी अंगूठी, थैंक यू। पोपट भाई, पोपट भाई कहाँ खो गए? अरे बाघा, मुझे तो अभी से मेरी शादी की शहनाइयाँ सुनाई दे रही है। अपनी होने वाली पत्नी के हाथों में अंगूठी पहनाने के लिए मैं इस अंगूठी को जरूर पहनूंगा। प्लीज फटाफट मेरे लिए अंगूठी ऑर्डर कर देना। अभी कर देता हूँ पोपट भाई। और मैं तुझे पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है पोपट भाई। जब वो भैया जी डिलीवरी करने आएंगे ना, तब आप उनको कैश दे देना। अच्छा ठीक है चलेगा। हो गया। एक मिनट, आपका फोन नंबर डालना पड़ेगा। हाँ लिख ले। एड्रेस हाँ एड्रेस डालना पड़ेगा ना। मुबारक हो पोपट भाई, आपकी अंगूठी का ऑर्डर मैंने दे दिया है। वाह बागा, थैंक यू थैंक यू। मुबारक हो। अरे वाह बागा, उनका मैसेज भी आ गया, कल सुबह 10 बजे तक अंगूठी आ जाएगी। शादी मुबारक हो पोपट भाई, शादी मुबारक हो। बागा थैंक यू भाई। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। भागा, मेरी शादी होते ही मैं 100 कुंवारों को ऐसी अंगूठी गिफ्ट में दूंगा। वाह, अच्छा पोपट भाई अब मैं चलूं? थैंक यू भागा, थैंक यू सो मच पोपट भाई। संभल के जाना। भगवान, कब सुबह होगी, कब अंगूठी आएगी, कब मैं उसे पहनूंगा और कब मेरी शादी होगी। हाँ रह गया ये कुरियर वाला, 10 बज गए अब तक आया क्यों नहीं। लगता है यही है। हेलो 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 भाई साहब, कुरियर। अरे कहाँ रह गए भाई, आओ भाई जल्दी आओ भाई, कब से आपका वेट कर रहा हूँ। लाइए मेरा पार्सल दीजिए। आप केतन भाई ना? नहीं नहीं, पत्रकार पोपट लाल। लाइए पार्सल। सॉरी सर, ये पार्सल तो आपका नहीं है। अरे तो फिर आप यहाँ क्यों है? क्या सर, मैं कहाँ आया, आप ही ने तो मुझे बुलाया। आपके पास पक्का पत्रकार पोपटलाल का कोई पार्सल नहीं है? हाँ चेक कीजिए ना, होगा, होना ही चाहिए आपके पास। जी। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी, देखो देखो पत्रकार। सॉरी सर, पोपटलाल के नाम का तो हमारे पास कोई पार्सल नहीं है। सर यहाँ का एड्रेस बता सकते हैं? ये बाजू की विंग में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिसको आना चाहिए वो आ नहीं रहा, मुझे नीचे जाके देखना पड़ेगा। अरे पोपट
पाटला जी, अच्छा हो गया आप यहीं मिल गए। मैं आप ही के घर पे जा रहा था ये न्यूज़पेपर का बिल देने के लिए। अरे भाई आज ही चाहिए? जी हाँ पोपटलाल जी, आज 5 तारीख हो गई है। मैंने चेक लिखा नहीं है, मैं लिख के रखूंगा, आप कल आके लेके जाना। ठीक है। जिनकी जरूरत नहीं है वो सब मिल रहे हैं, कुरियर वाला पता नहीं कहाँ रह गया। ए ये कुरियर वाला अभी तक आया नहीं। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। पोपट भाई किसी की राह देख रहे हो? अरे भाई कुरियर आने वाला है। अच्छा अच्छा चलो मैं चलता हूँ, दुकान पे कोई नहीं। हाँ ओके ओके। किसी और विंग में तो नहीं चलोगे? कुरियर वाले? जी जी। अरे भाई कहाँ हो तुम? आप पोपट लाल जी हैं? हाँ हाँ, कब से वेट कर रहा हूँ आपका। आप 10 बजे आने वाले थे, कितना लेट हो गया। सर 10 ही मिनट तो लेट हुआ है। अरे 10 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। कहाँ है मेरा कुरियर? दो भाई। अल्लाह पोपट लाल, वाह। कहाँ साइन करना है? ये इधर ना लाओ। पोपट लाल जी। हाँ हाँ 999 ना जी। एक मिनट, ये लो 1000, बाकी का रखो टिप। चलो 1 रुपए का टिप। यस। अंगूठी। चमत्कारी अंगूठी, शादी योग जड़ी बूटी अंगूठी। अरे वाह। क्या बात है। चमत्कारी अंगूठी, अभिनंदन। थैंक यू। प्रिय मुसीबत के मारे अब आपका भाग्य खुलने वाला है, अब आपकी शादी होने वाली है। ये अंगूठी से शादी की समस्या दूर होगी। आप नहाकर तैयार होकर, भाई मैं नहाकर तैयार ही हूँ, आप नहाकर तैयार होकर पवित्र मन से इस चमत्कारी अंगूठी को चूम कर कहे, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ऐसा बोलकर अंगूठी को पहन लीजिए, फिर देखिए इस अंगूठी का चमत्कार। और हाँ, अंगूठी पहनकर खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, तभी आपको इस अंगूठी का फल मिलेगा। अरे भाई मैं खुश ही हूँ, पॉजिटिव ही हूँ। अभी इसे पहन लेता हूँ अंगूठी। भगवान आपके आशीर्वाद से अब मैं इस चमत्कारी अंगूठी को पहन रहा हूँ। ऐसी कृपा करना कि इस अंगूठी को पहनते ही रिश्ता आ जाए और मेरी शादी तय हो जाए। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। चांद चांदनी मेरे दिलों से ज्योति बहन का फोन। अरे वाह। गुड मॉर्निंग ज्योति बहन। पोपट भाई आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए फोन किया है। अच्छा, अरे तो बताइए बताइए गुड न्यूज क्या है। आपका भाग्य जोर कर रहा है। अच्छा। एक लड़की है लाजवंती। हाँ हाँ। उसकी एक लड़के से बात चल रही है। अच्छा। लेकिन जब उसका रिश्ता तय होने वाला था उसने आपकी फाइल भी देखी। अच्छा। हाँ, और वो पत्रकार बनना चाहती है। ओहो। और आप भी पत्रकार हो इसलिए उसको आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट है और इस रिश्ते के लिए वो पॉजिटिव है। अरे मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ। अरे पोपट भाई क्या कर रहे हैं ये? सॉरी सॉरी, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप? पोपट भाई लाजवंती और उसके माता पिता बड़े भले और अच्छे लोग हैं। हाँ। तो वो आज आपसे 11:30 बजे मिलना चाहते हैं, क्या आपके पास टाइम है? अरे तो ये भी कोई पूछने की बात है, आप मीटिंग फिक्स कर दीजिए, कहाँ मिलना है। आप एक काम कीजिए, 11:30 बजे भाग्य मिलन होटल में पहुँचिए। वो जो स्टेशन के पास है वो? हाँ हाँ बिल्कुल वही। हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? मैं उसे बोल देती हूँ रेड कलर की ड्रेस पहन के आए। हाँ वेरी गुड। और मैं काम करता हूँ, मैं भी रेड कलर का ड्रेस पहनता हूँ ताकि वो लोग भी मुझे पहचान जाए, आप उनको बोल देना। हा? हाँ ठीक है, मैं लाजवंती को बता देती हूँ। थैंक यू ज्योति बहन, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। थैंक यू ज्योति बहन।
जय हो चमत्कारी अंगूठी, तरफ फास्ट फूड से भी ज्यादा फास्ट है तुम्हारी सर्विस। आ गया रिश्ता, फटाफट तैयार होकर जाता हूँ। थैंक यू सो मच। मित्रों, मुझे आज आप सभी को मिठाई खिलानी चाहिए। भाई बात की मिठाई खाने खिलाने वाली है, इतनी बड़ी खबर है। पोपट लाल के लिए शादी का रिश्ता आ गया, अंगूठी पहनते ही शादी का रिश्ता आ गया। दिखा दिया अंगूठी ने चमत्कार। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई अब जैसे नल में से टप 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 पानी टपकता है, ठीक वैसे ही चमत्कारों की झड़ी लगने वाली है। अब देखने वाली बात यह कि अंगूठी की वजह से, ऐसा मान रहे हैं अंगूठी की वजह से रिश्ता आ गया है पोपटलाल की शादी का। अब क्या पोपटलाल की शादी हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्या पोपटलाल की जिंदगी के इस वीराने में फूल खिलेंगे और पोपटलाल प्रसन्न होगा। भाई बड़ा चमत्कार हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, ये तो भविष्य के वक्त में होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ जो भी होगा वो बेहद हंगामे और ठहाकों के साथ होगा और हंसी का चमत्कार आपके घरों में होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे वाह वाह वाह, चमत्कारी अंगूठी, कमाल कर दिया तूने। मुझे पूरा यकीन है कि आज मेरा रिश्ता तय हो ही जाएगा। थैंक यू। ये तो बागा को बोलना भी बनता है, उसी की वजह से मुझे ये अंगूठी मिली। यस नटू काका, पोपट भाई का फोन, स्पीकर पे कर। बोलिए बोलिए पोपट भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, बेस्ट मॉर्निंग बोल बागा, बेस्ट मॉर्निंग। क्यों पोपट भाई? टाइम पर अंगूठी भी आ गई, मैंने उसे पहन भी लिया और पहनते ही अंगूठी ने अपना चमत्कार दिखा दिया, मेरे लिए रिश्ता आ गया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन पोपट भाई, कांग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू नटू काका, अभी मैं लड़की वालों से मिलने ही जा रहा हूँ। पोपट भाई, ये चमत्कारी अंगूठी आपकी शादी की सारी समस्याएं दूर करे और आपका रिश्ता तय हो जाए। हाँ, दूर करे समस्या सारी अंगूठी ये चमत्कारी। चलो आप दोनों को फिर से एक बार थैंक यू, रखता हूँ मैं फोन। बाय पोपट भाई। लेट हो जाएगा। अरे पोपट भाई। हाँ? मैं आपके घर पे आ रहा था। क्यों? ये वॉशिंग पाउडर देने के लिए आपने मंगाया था ना, इसे तो अपने पास ही रख। मतलब अभी अपने पास रख, मैं बाद में तुझसे ले लूंगा। पोपट भाई। हाँ? इतना बंठन के कहाँ जा रहे हो? शादी के लिए रिश्ता आया है। मुबारक हो, मुबारक हो। मीटिंग भी फिक्स हो गई, अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। अरे पोपट भाई, यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो देखने जा रहा था, मेरी बहनों में से अगर कोई फ्री हुआ ना तो उन्हें भी अपने साथ में लेके जाऊंगा, तो क्या लड़की वालों के सामने थोड़ा ऐसा अच्छा लगेगा, तो फैमिली वाला लगेगा। हाँ, लेकिन आपकी बहनें यहाँ पर है नहीं, सब बाहर गई है, मोटा बाजार सेल लगा हुआ है ना। अरे बाप रे, अब एक काम करो ना, अब किसी जेंट्स को लेके जाओ साथ में। ये अच्छा आइडिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, ये मैं बात में भिजवा। हाँ, हाँ, चलेगा, okay? चलेगा, चलेगा, चलेगा। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। वाह वाह चमत्कारी अंगूठी, अभी तो मैं सोच ही रहा था कि किसे लेके जाऊं, उतने में तूने व्यवस्था भी कर दी। आओ आओ निकल। ये सुबह सुबह क्या कपड़े पहने? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अच्छा तो है? नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह ऐसे ढिंचक कपड़े पहन के कहाँ चली सवारी? गेस करो। गेस करूं? मतलब अंदाजा लगाओ। हाँ हाँ, लड़की देखने। करेक्ट, चलो चलो चलो। अरे क्या चलो, किधर चलो? तुम भी मेरे साथ चलो ना लड़की देखने। अरे मैं क्यों चलूं भाई, मेरी तो शादी हो चुकी है। अरे मेरे लिए लड़की देखने, तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो, तुम साथ में रहोगे तो लड़की वालों पर मेरा बहुत इम्प्रेशन पड़ेगा, उनको लगेगा कि मेरे फैमिली में एक से एक बड़े लोग हैं। एक से एक मतलब और भी कोई आ रहा है? तुम एक दस के बराबर हो। चलो ना प्लीज। अरे प्लीज मत बोलो भाई, आ रहा चलो चलो। एक मिनट जरा दुकान फोन करके बोल दो कि मुझे दुकान पहुंचने में लेट हो जाएगा। अरे मोबाइल है ना, रास्ते में बात कर लेंगे। अरे भाई वो जमाना अलग था, जब हम चलते चलते क्या दौड़ते दौड़ते भी बात करते थे मोबाइल में तो भी बात हो पाती थी। अभी आजकल तो सिंगल का इतना प्रॉब्लम है, एक कदम चले नहीं के सिंगल गया। कर लो। Thank you.
बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, तू और नटू काका जरा दुकान संभाल लेना, मुझे आज जरा आने में लेट हो जाएगा, मैं जरा पोपटलाल के साथ बाहर जा रहा हूँ। हाँ सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप शांति से पोपट भाई के साथ लड़की देखने जाइए। जे कैसे पता हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले पोपट भाई का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया। सब तुझे क्यों बताया? मुझे तो बताएंगे ही ना, उनके लिए चमत्कारी अंगूठी का ऑर्डर मैंने ही तो दिया था। तुमने पोपटलाल को भी अंगूठी पहना दी? ठीक है चल, दुकान का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। क्या पोपटलाल, तुम भी अंगूठी के जमेले में फंस गए? अरे सब अंधविश्वास है भाई। नहीं 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 जेठालाल, ये अंधविश्वास नहीं है, ये चमत्कारी है। मैं पिछले 3 महीने से एक रिश्ता नहीं आया था, ये अंगूठी पहनते ही रिश्ता आ गया और मीटिंग भी फिक्स हो गई। अरे भाई एक संयोग है भाई, तो बागा को पेमेंट मिलना, तुम्हारा ये रिश्ता आना, सब संयोग है। नहीं नहीं ये संयोग नहीं, ये चमत्कार है। अच्छा ऐसा तो हमारा नागजी काका है, उनका बेटा कांति, उसको कितने टाइम से कोई रिश्ता ही नहीं रहा था, अभी एक ही दिन में उसको 3-3 रिश्ते आ गए। अभी वो तो अंगूठी पहनता नहीं, तो उसको क्या कहोगे तुम? सही होगी ना? नहीं नहीं नहीं, तुम मानो या न मानो जेठालाल, मैं तो इसे चमत्कारी मानता हूँ, ये अंगूठी चमत्कारी है। चलो ना जेठालाल, लेट हो रहा है, वो लाजवंती भाग्य मिलन होटल में मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो चलो भाई, चलो चलो आ जा। हेलो सर। हेलो, वेलकम सर। लाजवंती जी ने कहा था लाल ड्रेस पहना होगा। हेलो, एक चाय और एक टोस्ट सैंडविच। एक चाय और एक टोस्ट सैंडविच। हाँ अब मैं वेटर नहीं हूँ। हाँ तो वेटर को भेजो जल्दी। तो लाजवंती की जगह पे लाजवंती की मम्मी निकली। हाँ रॉन्ग नंबर लग गया। लाजवंती जी वहाँ है? वहाँ। हेलो जी, मैं आ गया। कौन है ये? मुझे क्या पता ये कौन है? मुझे क्या पता, मतलब आज हमारा तय हुआ था ना यहाँ मिलना। लाजवंती जी, लाजवंती, मेरा नाम लाजवंती नहीं सोनी है। सॉरी। सॉरी नहीं सोनी। सोनी जी, आई एम सॉरी। सर। क्या कर रहे हो पोपटलाल, ऐसा तो हमको मार पड़ेगी भाई। पहले लड़की का नाम पूछ के कंफर्म करो, उसके बाद फिर आके बात करो भाई, डायरेक्ट अटैक ऐसे मत करो। लाजवंती जी कहाँ है? वहाँ है जेठा। हाँ उधर उधर देखो, उधर। हाँ पूछना पहले नाम। हाँ एक्सक्यूज मी, ये लाजवंती जी है। हाँ आपका? Myself, पत्रकार पोपटलाल। अरे पोपटलाल जी आइए ना, आइए आइए बैठिए बैठिए। हेलो हेलो, सॉरी यार हमें आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं आप टाइम पर ही हो, हम जल्दी आ गए। ये है मेरी मम्मी और पापा। नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। ये भाई साहब, ये जेठालाल जी हैं, मेरे पड़ोसी, लेकिन मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अच्छा नमस्ते। हाँ नमस्ते। वैसे हम गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है, कहने को एक सोसाइटी है लेकिन हम बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते हैं। अभी देखिए ना, ये बहुत बड़े व्यापारी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। अभी ये दुकान ही जा रहे थे लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि मेरे लिए शादी का रिश्ता आया है, तो अपना सारा काम छोड़कर वो मेरे साथ यहाँ आए। वैसे आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे उस दुकान के बारे में तो मैंने सुना है,
मेरी फ्रेंड ने वहाँ से नया मोबाइल खरीदा था और वो कह रही थी कि उसे उस दुकान में बहुत अच्छी डील मिली थी। हाँ तो कस्टमर लोग को अच्छे डील देना ही हमारा काम है, तभी तो वो हमको याद रखते। अभी देखिए ना आपकी सहेली को कैसे याद रह गया, उन्होंने आपको बताया तभी आपको भी याद रह गया। क्या धंधे में मेन यही सब चीजें है जो आपको कमानी होती है, बाकी पैसा तो कोई भी व्यापारी कमा सकता है। बहुत सही बात कही आपने। आपको आपको कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने हो ना, आप बेझिझक मेरे दुकान में आइए, मैं आपको बेस्ट में बेस्ट डील दूंगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात क्या है, हमारा क्या है कि आफ्टर सेल सर्विस में बहुत बड़ा नाम है। एक बार कस्टमर हमारे यहाँ खरीदी करने आता है ना, हम उनको इतनी बढ़िया सर्विस देते हैं कि वो कस्टमर फिर और कहीं जाता ही नहीं है, हमेशा जीवन भर हमारे यहाँ से ही वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता है। अरे वाह क्या बात है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अभी हम जिस काम के लिए आए हैं वो करें। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। आपको कैसे पता चला? पोपटलाल जी अब आपको क्या बताएं? मैरिज ब्यूरो से इसने आपके बारे में पूरी जानकारी ले ली। अरे वाह वाह वाह, मैंने भी मैरिज ब्यूरो से काफी सारी जानकारियां ले ली आपके बारे में। मतलब इनके बारे में, आप पत्रकार बनना चाहती है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, और आप पत्रकार है ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे विचार हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। आप एक बार वक्त निकालकर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आइए ना, मेरा घर भी देखिए और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के बाकी सदस्यों से भी मिलिए, आपको उन सब से मिलके बहुत अच्छा लगेगा। क्यों जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक यहाँ रख दो, एक इधर रख दो और एक इधर रख दो, ये यहाँ रख दो। सॉरी आपके आने से पहले ही हमने फालूदा ऑर्डर कर दिया था। नहीं इसमें सॉरी क्या है, इट्स ओके। आप क्या लेंगे? आपकी बेटी ने जो मंगवाया है वही फालूदा। अच्छा अरे तो फिर आप लीजिए ना, हम दूसरा मंगा लेंगे। नहीं नहीं अरे आप लोग लीजिए, हम हमारे यहाँ दूसरा मंगा लेंगे। मंगा लेंगे। अरे लीजिए ना प्लीज। अच्छा तुम ले लो, मैं मंगा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी पापा जी आप लोग ये लीजिए, हम हमारे लिए दूसरा मंगा लेंगे। अरे आप ये लीजिए। नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, आप लीजिए मैं मंगाता हूँ दूसरा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आप लीजिए। अरे नहीं ये आप ही लीजिए, मैं दूसरा मंगा लूंगा। नहीं नहीं आप लीजिए प्लीज। आप अभी हाथ धो कर आता हूँ। वाह वाह चमत्कारी अंगूठी, रिश्ता तय हो गया। बड़े बड़े रिश्तों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे अंगूठी गिर गई। अरे अंगूठी अंदर चली गई। अरे अरे कोई है? अरे भाई साहब वॉश बेसिन में मेरी अंगूठी गिर गई है। कौन से वॉश बेसिन में सर? ये मैं दिखाता हूँ। आइए आइए ये वॉश बेसिन है, इसमें अंगूठी गिरी है, अब इसे निकलवाइए। सॉरी सर पर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या क्यों? अरे अरे प्लम्बर को बुलाओ भाई, अंगूठी को निकलवाओ जरूरी है। सर प्लम्बर को बुलाया हमने पर प्लम्बर आकर भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सर अंगूठी तो अभी तक गटर में पहुंच चुकी होगी। ऐसा कैसा वॉश मशीन लगा आप लोगों ने तो जिसका पाइप सीधा गटर में जाता हो? अभी किसी कस्टमर की कोई जरूरी चीज जैसे गिर जाएगी तो क्या करने का? पता है कितनी कीमती अंगूठी है। सॉरी सर लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अंगूठी कितने की थी?
999 की। 999 रुपए की? अरे सर वो तो हम बिल में एडजस्ट कर देंगे। अरे भाड़ में गया तुम्हारा बिल, ये चमत्कार। आप कैसे भी करके अंगूठे निकलवाओ वरना मैं तुम्हारे होटल की दुनिया हिला दूंगा। सॉरी सर, आप चाहिए तो 999 रुपए कैश ले लीजिए या हम बिल में एडजस्ट कर देंगे, पर अंगूठी निकलना तो अभी पॉसिबल नहीं है। ओके वर्मा जी, हमारे हाँ हाँ जी हाँ जी। सॉरी सॉरी, बैठिए मत, हम निकल रहे हैं। कहाँ? अभी रिश्ते की बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अब बात तो हो गई। अच्छा तुमने कर ली? नहीं नहीं, मैंने कोई बात नहीं की है। तो किससे बात हुई? दरअसल पोपटलाल जी, लाजवंती के रिश्ते की बात एक NRI अमेरिकन लड़के के साथ हो रही थी, तो अभी उनका फोन आया था, उनको ये रिश्ता मंजूर है। अरे तो मेरे साथ मीटिंग क्यों की? नहीं, काफी समय से उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो हमें लगा कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, और सेकंड ऑप्शन आप थे। तो कई बार फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेहतर होता है, क्यों जेठालाल? हाँ बराबर, आपने भले पोपटलाल को दो नंबर दिया हो, लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये लड़का ये वन क्वालिटी का है। और मेरे और आपके विचार कितने मिलते हैं। मैं पत्रकार हूँ, आपको पत्रकार बनना है। पत्रकार बनने की इच्छा तो पिछले 7-8 महीने से ही हुई थी, लेकिन किसी अमेरिकन NRI लड़के से शादी करने का सपना तो कॉलेज के दिनों से रहा है। चलो बेटी चलो। अरे क्या चलो, रुकिए। नहीं नहीं, आप नहीं, आप जाइए, आपको नहीं, आप इनको बोल रहे। आपको अमेरिका जाना है ना, तो मैं आपको ले जाऊंगा शादी के बाद घुमाने। प्लीज आप समझिए, मुझे वहाँ घूमना नहीं है, सेटल होना है। तो हम सेटल भी हो जाएंगे। आप NRI हैं? अरे बन जाऊंगा। चलो बेटी। अरे अरे सुनिए मेरी बात तो। अरे आप तो सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए ना। अरे जेठालाल तुम कुछ बोलो भाई। मैं क्या बोलूं भाई? अरे सुनिए सुनिए आप। अरे सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए तो सही, लाजवंती को मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं रख पाएगा। अरे भाई साहब सुनिए। पोपटलाल संभालो अपने आप को। अरे क्या संभालूं, सब कुछ तय हो गया था। अब पर अभी क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया, और ये तुम्हारे साथ पहली बार थोड़ी हुआ है। हिम्मत रखो, ये नहीं कोई और सही, कोई और लड़की मिल जाएगी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अंगूठी की वजह से अच्छा खासा रिश्ता आया था। अरे अंगूठी से कुछ नहीं होता है पोपटलाल। अरे होता है, अंगूठी की वजह से ही रिश्ता आया था, पर अंगूठी की वजह से ही रिश्ता गया। क्या? देखो, अरे उधर नहीं, इधर देखो। इधर किधर? अरे उंगली में, उंगली में देखो। क्या हुआ उंगली में? उंगली में अंगूठी नहीं है। अरे हाँ, कहाँ गई अंगूठी? होटल का वॉश बेसिन खा गया मेरी अंगूठी। क्या? अरे वो मैं हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन में गया। अंगूठी पहनी, रिश्ता आया। अंगूठी गई, रिश्ता गया। यकीन नहीं हो रहा, सच में कोई अंगूठी ऐसे चमत्कारी हो सकती है? अरे हो सकती है, क्या है अंगूठी चमत्कार? हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, आप वो भाग्य मिलन होटल से निकले तो नहीं ना? नहीं, क्यों? वहाँ का मलाई कोफ्ता बहुत मस्त आता है, तो जरा प्लीज लेकर आना ना। किस खुशी में? पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया उस खुशी में। अरे कोई रिश्ता तय नहीं हुआ है। क्या? क्यों? तू फोन रख, मैं दुकान में आके सब बताता हूँ। फोन रख अभी। पोपटलाल यहाँ देवदास बन के खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, चलो आओ मेरे साथ आओ। ओह चमत्कार ही चमत्कार भाई, कमाल कर दिया इस चमत्कारी अंगूठी ने। ये अंगूठी पोपटलाल के पास आई तो रिश्ता आया, गई तो रिश्ता भी गया। भाई पोपटलाल की दुनिया हिल गई है, और ये सब देखकर जेठालाल की दुनिया भी हिल गई है। अब तक जेठालाल जो चमत्कार को दूर से ही नमस्कार करके इस अंगूठी पे कोई यकीन नहीं कर रहे थे, अब तो उन्होंने साक्षात अनुभव कर लिया। भाई अब आपको क्या लगता है? अब मुझे लगता है कि जेठालाल जरूर इस सोच की लहर पे सवार होकर इस अंगूठी पे विश्वास करना शुरू करेंगे, और अगर जेठालाल इस पे यकीन कर लिया, इस चमत्कार की कार पे वो सवार हो गए, तो क्या होगा?
क्या ये अंगूठी पड़ेगी भारी या बनेगी प्यारी? अब भाई पड़े भारी या बने प्यारी, इतना जरूर तय है कि आपके घरों में होगी ठहाकों की सवारी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचते रहिए कि ये चमत्कारी अंगूठी और क्या क्या चमत्कार करने वाली है। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।